तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआ। खुदा हाफिज मेरी बहन, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। दूल्हा भाई, मेरी बहन का ख्याल रखना। दूल्हा भाई तू मुझ पे छोड़ दे बस। खुदा ना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तुम्हारी शादी तय कराई, निकाह पढ़वाया, कादी लाया, सब कुछ हो गए, रुख्सत कराई, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। बात सुन, तू मुझसे वैसे ही चिरान कर रही है बाबू। मैं जानता, मैं तो पहले दिन समझ गया था। क्या समझ गया? जब गाड़ी में हमारी बारात जा रही थी, दुल्हन मेरे साथ बैठी हुई थी, हराम है जो मुझसे बात की हो। ड्राइवर से बात की जा रही है। हाँ, ड्राइवर भी कह रहा 5 मिनट के लिए शेरा मुझे उधार दे दे। मैं कह रहा हूँ चिराने मुझसे शुरू से हो रही है। क्या? मैंने कहा घूंघट उठाऊं, कहेंगे नहीं घूंघट तो उठाते रहोगे, पहले अंगूठी दे दो। मैंने अंगूठी दे दी। अच्छा। घर में जैसे ही पहुंचे रस्में हुई, कहने लगी आंख में चोली खेलें। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पहली दफा कह रही है खेल लेता हूँ। मैंने आंखें बंद करी, जैसे ही आंखें बंद करी आंखें खोली है तो मेरी आंखें ही खुल गई। दुल्हन नहीं थी, खिड़की खुली हुई थी घर की। अरे तो मेरे से क्या कहना, देखो भाई हमने तुम्हें पहले बताया हमारी अब जिम्मेदारी कोई नहीं रहती, शादी कराई थी। मैं कह रहा हूँ तुझसे दुल्हन लूंगा। तूने तूने वो क्या किया था बारात वाले दिन? क्या किया? आज तक सुना है कि दूल्हे के जूते छुपाए जाते हैं, तूने पूरी बारात ही छुपा ली है। पूरी बारात नंगे पैर गई है। मैं कह रहा हूँ मैं तुझसे लूंगा। अरे तो कैसे दुल्हन यार, जाओ खुदा के लिए मेरा दिमाग खराब। तू तो मुझे उसी दिन से बुरा लग रहा था, बारात वाले दिन अब्बा जान ले आए, दूल्हे पे रूप चढ़ रिया भाई। हाँ। इसके सत्य के लिए बकरा ले आओ। बकरा ले तुझे बांधने की जगह नहीं मिली, तूने मेरे पजामे के धारबंद से बांध दिया। मैं इधर को चला, बकरा इधर को चला, पजामा। वो तो शुक्र है शेरवानी बड़ी थी। मैं बाहर बैठो, खुदाई के समय तुझसे दुल्हन लेके जाऊंगा। जाओ भाई बाहर बैठो, जहाँ भी बासन। यार कोई दूसरी दुल्हन दे दे यार। दूसरी दुल्हन दे दे क्या, दुल्हन का कारखाना है ये। मैं कह रहा हूँ मैं खुदा की कसम में बाहर ही बैठा हूँ, मैं देख लूंगा, अल्लाह के एक एक को देख लूंगा। दुल्हन लेने आ गया। एक तो मेरा दोस्त यार ये जवाब बड़ा चिरान करता है, चीटिंग खुद करता है, मुझे फंसवा देता है। आज आ जाए ये जवाब तो देख लूंगा इसको, खुदा की कसम। बताओ मैं फंसू हर जगह हर काम में, मैं ही फंसता हूँ। आने दो जवाब, वही होगा वही होगा। बदतमीज लोग, कमबख्त, किसी का दुल्हन बनता भी नहीं देख सकते। अबे तू भाग के इधर आ गया, तेरा दूल्हा अभी इधर आया था। अबे हाँ देखा था मैंने, मेरा दूल्हा बोला, तेरा भी तो जीजा जी था वो। मेरा जीजी? जीजा जी नहीं था तेरा? कैसे? अबे मेरा शोर हुआ तो तेरा जीजा जी हुआ। पागल कहेंगे, बहुत बड़ी गंद हो गई भाई। क्या हुआ? वो फोन मिला उस लड़की की अम्मा को जिसने एंड टाइम पे शादी से मुकर गई, वो मिला उसका नंबर। बड़ी गंद औरत थी वो यार। आज बदतमीज खातून ने बताओ, शादी का टाइम दिया, रिश्ता तय हो गया, हमने बीच में कमीशन खा लिया, एंड टाइम पे मुकर गई। नहीं मैं तो कोयत में शादी करूंगी, कोयत में इंशाल्लाह इनकी बच्ची बम खाएगी, तुम देखना। बदतमीज किस्म की खातून। और वो तो मेरे जहन में तरकीब आ गई, मैं चला गया दुल्हन बन के, हालात संभल गए कुछ। क्या हुआ था? दुल्हन बन के गया था, मजा आया होंगे। अबे खुदा की कसम बोरी, पता क्या हुआ? मैं दुल्हन बन के गया, रुखसती हुई, वो मेरे को दूल्हा के साथ पिछली सीट पे बिठा दिया, वो मुझे कोनिया मार रहा।
कौन दूल्हा? मैंने पेट में घुसा दिया धड़ंग। दूल्हा? बोले आप तो बड़ी फ्री है भाई। फिर क्या हुआ? अबे फिर क्या होना था भाई, गंद हो गई। उनके खानदान में तो अजीब अजीब रस्में थी भाई। वो ले गए मेरे को वहां से, अपना क्या नाम है, वहां पे दुल्हन हुआ, वहां पे गाड़ी रुकी। उन्होंने बोला भाई गाड़ी से लेके घर तक है ना, दूल्हा गोद में उठा के लेके जाए। तो तुझे उठाया? अब मैंने सारा वजन छोड़ दिया। मुझे ले जाके कमरे में बिठाया। मैंने कहा उस्ताद अब निकल लो। फौरन मैंने खिड़की खोली पाइप से, नीचे उतर गया नीचे पाइप से। कैसा है? और नीचे वो दूध वाला आ रहा था साइकिल पे। अच्छा। मैंने कहा भाई यूं यूं, बोले बिस्मिल्लाह, दूध वूध फेंका, मेरे को बिठा लिया। मेरे को बिठा लिया। मैं यहाँ पे उतर के मैंने घूंघट उठा के बोला थैंक यू, अब तक बेहोश पड़ा हुआ जाके। दूध वाला? हाँ यार, मैं तो तेरा दूल्हा बड़ी चिरांग करके गया अभी। अबे छोड़ दे, ये बता मेरी बीवी को तो पता नहीं चला? मैं नहीं, उनको तो रात में नींद की गोलियां देके सुला दिया था मैंने। वेरी गुड, ये काम बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। तुझे पता है तेरी भाभी शादी की सालगिरह वाले दिन कमबख्त पूरी दुल्हन बनती है। मैं तेरे कपड़े चेंज कर लूं, कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। जल्दी बदल लियो कपड़े, कहीं फिर आ जा यार। अभी अभी देखिए, मैंने दूध वाले के साथ साइकिल पे बैठ के आई दुल्हन। कौन आई है? दुल्हन बैठ के आई, मैंने खुद देखा अभी। तुम्हारी नजरों का धोखा यार, कोई दुल्हन नहीं आई। भाई मैंने खुद देखा, दुल्हन साइकिल वाले के साथ आके बैठी हुई थी। अरे नहीं नहीं, वो तुम्हें धोखा हुआ। एक्चुअली वो साइकिल वाले ने ना अपने डिब्बों पे लाल रंग कराया हुआ। डिब्बों पे? डिब्बों के हाथ तेरे बाप ने बनाए थे? ऐसे पकड़ के बैठी थी, आज तक मेरे साथ नहीं बैठी। अरे जा यार, तू दिमाग खराब। मैं कह रही हूँ भाई, शराबत निकालने में बहुत तंग आया। निकाल ना, तुम निकलो यार इधर से। मैं कह रहा हूँ अपने। चलो घर पे, चलो जवाब नहीं, वसीम मेरा नाम है, चलो घर पे। कौन है ये? मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ। बदतमीज का निकल, निकाल इसे घर के निकल पाए। प्यार में गालियाँ बकरी है। चलो घर पे, अम्मी बुला रही है। कौन सी अम्मी, किसकी अम्मी? तुम्हारी सास कह रही पराई बच्ची को क्या बोल दिया तूने, चली गई। चलो घर पे, मैं परेशान हुई। ये तेरी दुल्हन नहीं है, ये सांप की दुल्हन है। हमको सांप कह रही है, हमें सांप कह रही है। चलो जवाब आ जा, तेरा माल उठ रहा है। हट जा बे, चलो घर पे। मेहमान बात कर रहा है अभी, मेहमान बात कर रहा है। सर आदमी तंग कर रही है सर मेरे को। उसकी बात खत्म हुई अभी? आप बोलिए, हाँ जी क्या हुआ? वो आ गया मेरा गिरबान पकड़ के। मैं मेरे मेहमान है वो, मेहमान बोल रहा है वो। दूल्हा से लेने सर बात, बदतमीज की बात खत्म हुई अभी? बताओ मेरा गिरबान कह दिया के अभी, उसे तो बोलने दे। बात ऐसी है सर, मैं वो चुप हुआ है अभी। क्या बात है, आप लोग बोल नहीं रहे? क्या वो? हम लोग गूंगे ही ठीक है सर। ये आदमी बोल के बीच में पिटवाएगा आपसे सर। मुझे कौन पिटवाएगा? ये सर, वो तू चुप रही हो। आप बात बताएं, क्या बात हुई? चुप रही हो सर। ये आदमी सर मेरी बीवी नहीं भेज रही है सर, मुझे शादी करवाई है। तुम इसकी बीवी? जवाब मैं हूँ। अबे पागल के बच्चे, चल। सर मैंने खुद देखा, अभी साइकिल में बैठ के आई सर ये। अबे वो मैं थी। वो कौन थी? संभालो संभालो संभालो। वो मैं थी, गाजर थी। वो मेरा मतलब है, वो हमें क्या पता कौन थी वो। मैं कह रही हूँ खुदा की कसम, मुझे धोखा हो रही है। मैं नेरे दूलों खुद कतल होकर खुद इल्जाम तुम पे लगवा दूंगा। मैं कह रहा हूँ आप गेट आउट हो जाए। ओए ये गांव तक के बाहर रखो, चलो। मैं कह रहा हूँ बाहर बैठा हूँ, अल्लाह की कसम देख लूंगा मैं आपको। चलो 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 बाहर, चलो बाहर, गेट आउट, गेट आउट। तोबा, क्या मुसीबत है, आज हमारी शादी की सालगिरह है और ये नहुसत नाजिल हो गई। नहुसत तो नाजिल होनी थी, तुम हो ही मनहूस लोग। क्या मतलब? और क्या, ये क्या बनी हुई है तू? क्यों, शादी की सालगिरह है तो ये तो बनती हूँ हर साल मैं। इतना लोहा सर पे लगा हुआ, बिजली के तारों के पास मत गुजरियो। क्यों? चल जा, क्या क्या काम हो लो? जवाब वो शादी का केक काटना है भाई। काट लेंगे, लंच ओवर में भी वर्किंग ओवर है, काम कर रहा हूँ दफ्तर के अंदर। मैंने बोल दिया डिफेंस से दर्जी आएगा, इस दफा केक उससे कटवाएंगे। चलो जाओ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो जाओ, इंतजार करो, चलो जाओ। यार हाँ भाई, तुमने इसे यहाँ का टाइम क्यों दिया था? मैंने कहा टाइम दिया, वो खुद ही आ गया था भाग के। अबे यार, वो आ गया था कि वो चला गया था, तुमने उसे यहाँ का टाइम क्यों दिया? मैंने नहीं दिया यार टाइम, तू खुद ही तो भागा है। वो मेरे तेरे पीछे आया, मुझे पकड़ लिया। मेरे पीछे आया, तेरे पीछे आया, ऊट पटांग बातें कर रहे। तुमने अखबार में इश्तेहार दिया? नहीं नहीं, आपने बोला था मैं लिखाऊंगा तो देना। लिखो इश्तेहार। इश्तेहार देखो, तुम्हें दफ्तर चलाना नहीं आता, शादी के दफ्तर के लिए बहुत जरूरी है कि पहले अखबार आते इश्तेहार दो, पब्लिक को अट्रैक्ट करो, झूठे झूठे इश्तेहार छपवाओ ताकि लोग पागल होकर आए, पूछे ग्रीन कार्ड ये वो, इस सब लोगों को पागल बनाओ। अच्छा? हाँ, यही तो हमारा बिजनेस है। लिखो। लिखा है एक औरत, एक औरत, सिर्फ एक औरत।
सिर्फ एक औरत, बस एक औरत, बस एक औरत पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी है। लिखो 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 लिखो। ये अपनी वाली? नहीं नहीं, यहूदी औरतों की बात कर रहा हूँ। अपनी वाली पागल है, मैंने भी यही रहना भाई। हाँ लिखो, एक औरत, ठीक है, एक औरत करोड़पति है, अरबपति से शादी करना चाहती है, अरबपति से शादी करना चाहती हैं। शादी के ख्वाहिश में नजरात रुजू करें, दफ्तर का नंबर पता लिखो, नंबर पता दफ्तर का, ठीक है। इसके बाद लिखो कि एक औरत, एक और औरत, एक और औरत, फिर वही औरत, फिर वही औरत, वंस मोर, पब्लिक के बेहद इसरार पे यही इश्तिहार नीचे फिर छाप दो, दफा दो दफा, हाँ कारोबार बिजनेस भाई। आगे लिखो, एक औरत, एक औरत शादी में, शादी में हैट्रिक की है, हैट्रिक, जी हाँ, तीन तलाक हो चुकी हैट्रिक की है उन्होंने, ठीक है, हैट्रिक की है, हैट्रिक की है, तीन तलाकें हो चुकी हैं उन्हें, और वो जो है शादी के लिए दरखास्तें चाहिए, अंधे लूले लंगड़े मोहताज तलाक याफ्ता कमारे रंडवे सब चलेंगे, दरखास्तों के साथ तीन फोटो लाए, टेंडर उसके नाम खुलेगा जो सबसे अच्छी पेशकश करेगा। टेंडर? हाँ, ये शादी टेंडर की तरह होगी, टेंडर की तरह। ओ खातून ऐसी है, चलो ठीक है, लिख लिया जी, अखबारात में दोनों इश्तिहार जमा कराने आप, ठीक, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पब्लिक के टेलीफोन आए, लोग आए, ठीक। हाँ टेलीफोन पे याद आया, उस लड़की का जारा का तीन मरतबा फोन आ चुका है। वो कौन सी जारा? वो ब्यूटी पार्लर वाली, अखबार टेलीविजन में पब्लिसिटी में भी आती है। तो बड़ी कम बात है भाई। अच्छा, उसकी वजह से तो मैं एक दफा फंस चुका हूँ। कैसे? वो जो एक इश्तिहार में एक आती है, वो कहने लगी एक दफा इश्तिहार में, कह रही है आप एक बार पी के तो देखें। मैंने पी ली, फिर जो पुलिस वालों ने सुताई की है भाई, मैंने कहा वो तो टीवी पे कहती है खुले आम एक दफा पी के देखो, हमने पी ली तो क्या हुआ? बोले पागल, वो तो चाय का कहती है, तुमने तो विस्की पी ली। मैं कहा मैं अब क्या करूं, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। तुम विस्की पी ली? वो तो मैं क्या करूं, मैं समझा, उन्होंने कहा एक दफा पी के देखो, मैंने पी ली, मैंने क्या, ठीक है। उसका फोन आया था, फोन यार, वो भी शादी करना चाहती है किसी गैर मुमालिक में, गैर मुल्क में, हाँ उसकी ख्वाहिश है किसी गैर मुल्क में शादी हो। अच्छा, तो इसके लिए वो अपना क्या नाम है, मैंने उसके लिए एक रिश्ता बनाया, रिश्ता बनाया, फर्जी रिश्ता, फर्जी, फर्जी, ऑस्ट्रेलिया से आएगा रिश्ता, ऑस्ट्रेलिया से, हाँ, ग्रैंड हैंडम नाम रख दिया उसका, क्या ग्रैंड हैंडम, अच्छा अच्छा ग्रैंड हैंडम, हाँ मुंह टेढ़ा करो फिर निकलेगा ग्रैंड हैंडम, ये सही करेंगे, अच्छा ठीक है ना, वो रिश्ता मैंने बना लिया, 5-6 हजार रुपए फीस खाएंगे, यही हमारा काम है। ओ यार, दौलत कमाओ दौलत, कोई इंसान इंसान नहीं शादी के दफ्तर में, दौलत दौलत और क्या, हमने कौन सा जन्नत में जाना है? क्यों क्यों, अबे और क्या, जन्नत में जाके ख्वारी होना ना, कोई जानने वाला भी नहीं होगा। दो दख में, ये बात तो सही, दो दख में जाएंगे, दो दख में सब वाकिफ दोस्त, आप मजा, और ये जन्नत वालों को, दो दख वालों को बहुत काम पड़ेगा, देखियो तू। अच्छा, वो सर्दी में आएंगे, थोड़ी सी आग दे दो, एक को भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह, मैंने सोचा सारा सोचा हुआ, सारा प्लान सोचा हुआ। उस लड़की का आप अगर फोन आए ना तो तुम मुझे बता देना कि आपका रिश्ता तय हो गया और आप जो है ना आकर के रिश्ता सेट कर ले, ठीक है, ठीक है। अरे हो, हाँ जी, हाँ इधर हो जा बेटा, हाँ 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 जी, अच्छा नहीं, कौन है? कोई नहीं, फोन बंद कर दिया था यार, उस पर नहीं करो, कौन है क्या है, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, जारा का ऑफिस का नंबर कैसे ढूंढो। हेलो, कौन? हाँ जारा मैं बोल रहा हूँ, जी जी जी, हाँ आपका बताया फोन आया था, हाँ आपके लिए रिश्ता शादी का तय हो गया है, जी हाँ तकरीबन बात हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रैंड हैंडम, ऐसे नहीं ग्रैंड हैंडम, मुंह थोड़ा देर लेफ्ट पे लेके जाओ, ग्रैंड हैंडम, गुड नेम, या बिग बिग मैन, या रिच पीपल, रिच रिच पीपल, यू नो रिच रिच, ये बड़े बड़े बाल है रिच का बच्चा, या या ओके ओके, आप पहुंच रही हो, कहां हो, कहीं करीबी हो, जल्दी में हो, हाँ अच्छा मोहल्ले में, अरे तो आओ ना, 2 मिनट में पहुंचे, फिर बात करते हैं, बाय। एक काम करो, जल्दी आओ, एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के 10 मिनट के बाद बाहर से ग्रैंड हैंडम बनकर टेलीफोन करो, फोन करूं मैं, हाँ तो और क्या, फोन करो, बोलो मैं ग्रैंड हैंडम बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा। लड़की यही होगी, मैं बात करके लाइन सेट के 5,000 रुपए दिए, मैं ज्यादा आ जाएगा, ठीक है बस, तो ठीक है, तुम जाओ और ग्रैंड हैंडम बनकर टेलीफोन करो, जाओ, गो, फोन करूंगा, गो, और देखो जरा इतिहास से 10 मिनट के बाद ग्रैंड हैंडम नाम याद रखना, ग्रैंड हैंडम, ग्रैंड हैंडम, बस जाओ जल्दी जाओ, एक काम हुआ ना, आई क्यों नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ, केक काटना है भाई, काट लेंगे केक, केक का क्या प्रॉब्लम है, पहले मेरा बिजनेस तो सेट करने दो यार,
अरे हाँ जवाब, वो जो मेरे डैडी की लकड़ी की टांग है, मैं इतनी देर से तलाश कर रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही, तुमने तो नहीं देखी वो लकड़ी की टांग? हाँ वो तुम्हारे अब्बा की थी। हाँ मैंने उसका पटरा बनवा लिया। कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, मेरे मम्मी डैडी का वजूद इस घर में बर्दाश्त ही नहीं है। बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप हमें यहाँ छोड़ने आए थे आधे घंटे के लिए शादी के बाद, और अब तक नहीं गए, 7-8 महीने हुए। उनके दामाद का घर है, जब तक दिल चाहे रह सकते हैं इस घर में। मेरी मम्मी भी तुम्हारी कई शिकायतें करती है मेरे सामने कि अड़ोस पड़ोस की जितनी भी औरतें सबको झांकते फिरते हो तुम। मैं झांकता हूँ? तुम्हारी अम्मा ने देखा है? वो तो अंधी है, कहाँ से देखा उन्होंने? कानों से देखती है वो, उनकी बातों का इतबार कर रही हो, मेरा इतबार नहीं करती तुम। अच्छा जल्दी आओ केक काटना है। आ जाए आप, चले मैं केक काट, चले जाए। क्या बनी फिर रही है अपनी तरफ से, इस शादी के बाद औरतें जहर लगने लगती है कमबख्त। तारी जुर्रत किस तरह हुई हमारे इलाके के अंदर शादी का दफ्तर खोलने की? आप कहते हो तो तलाक का खोल लेता हूँ भाई, आप जो बोलेगा वो दफ्तर खोल लूंगा मैं, मुझे क्या है। रहते मैंने नहीं जानता, आपको तो सारा मोहल्ला जानता भाई। मेरा नाम है कल्लू दादा। कल्लू दादा, कल्लू नाना भी हो जाओगे अल्लाह ना चाहता भाई। राम ने पूरे 49 कत्ल किए और 25 अगवा बराए तावान के केस किए। जी जी, ये आपको देख के तो कानून की मजबूती का एहसास हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। और बात सुन भाई। जी भाई। तन्ने पैसे बचाए कि नहीं बचाए? पूरा पैसे पहुंचा दूंगा भाई, तेरे हमारे पे गुस्सा हो रहा, पूरा दामन पछाड़ा नहीं मामी, तेरे गाँव का हूँ, पूरा गाँव का हूँ, हैरत से के देख रहा, बोल ना। कौन सी गाँव का भाई? अरे भाई मैं भी गुड़गांव में गाँव, तुम्हारे साथ बदमाशी करना कड़े आ गया, नुके कमा थर देख कर सोच रहा था हमारा गाँव का भाई हमारे साथ कुछ ना करेगा, पर तेरे हमारे साथ बदमाशी करके हमारा भी बदनाम कर रहा, ये क्या कर रहा है? रहने दे भाई, था हमारा दिल तोड़ दिया भाई, मार दो हमारा रोड़ा लग गया, वहां हमारा गाँव का होगा दे वहां बदमाशी भाई। अरे भाई मान लो तो कैसी बात कर रहा है, गाँव का तो बदमाश बढ़ गया है। पूरा बात सुन भाई। अरे तू भाई मारा गांव का है? पूरा बात तारे गांव के है। तना बदमाश ना समझू, तू बदमाश है, नहीं बोल तू बदमाश है। अरे गांव का समझू भाई समझू? अरे तने भाई तने को बदमाश नहीं समझू भाई समझू, पूरा भाई गांव का भाई होवे भाई समझ के तेम मारे कोई दरी गिरा दे मन। अरे भाई तू बदमाश थोड़ी हमारे वास्ते, तू बोल तू बदमाश है तो बोल, तू तो हमारा भाई है, बदमाश हो गए तो कोई बात करूं भाई ने मारू भाई, तू भाई भाई कह के मारे चले जा रहे मारे को। अरे यही जमाना भाई भाई कह के मारो भाई, उन्हें मार दे तारे अलावा कोई मारे को हाथ लगा ना, मार दे एक मिनट में को गिराते हम। अरे भाई तू बदमाश थोड़ी है हमारे वास्ते, तो मेरा भाई है, तू बदमाश है कोई मारे बात बात सुन भाई। अरे भाई बोल, राम कल ही जेल से आए। अरे मुबारक हो, आ गए मुबारक हो, कल जेल से आए, हमारी माँ कहने लगी भाई अब तू जेल से आ गया, इस तरह कर भाई शादी कर ले। अरे मैं कराऊंगा थरी शादी, बुरा फिर कोई अच्छी सी चीज दिखा दे बन्ने। अबे क्या बातें कर रहे हैं, चीज कर पेस्ट्री दिखा दूं तुझे कोई? अबे भाई शादी के लिए लड़की होती है, खानदानी लोग हैं, आपका रिश्ता कराऊंगा, ऐसी क्या बात है, मैं कराऊंगा आपकी शादी, मैं आपका घर बसवाऊंगा। पूरा ईमान से मैं तारा सारा दिन जगानी तेरी खिदमत करूंगा, पांव धो धो के पीऊंगा ईमान से, मने कोई काम बता, मने काम बता कोई ईमान से, मिनट के अंदर सारे इलाके को दर करा दूंगा। अच्छा ये बात है यार, एक बंदे में मेरे पैसे चाहिए, पैसे नहीं दे रहा, कहता बदमाशी करनी है तो कर लो, मैं कहां से बदमाशी करूं तेरे उन्होंने भाई, खुदा की कसम पूरे इलाके को बदल दिया हूँ, तेरे पास अभी दिलाऊंगा, कौन है बता बनने, अभी टेलीफोन मिला के देता हूँ आप जो है ना उसके ऊपर टेलीफोन मिला के देता हूँ, आप उसको फोन पे तड़ी दे दो। पूरा मिला जल्दी, अब मारे पता चला मारा भी कोई है दुनिया, राम तारे साथ है। अरे तुम्हारे वास्ते बदमाश तो ये भाई है तुम्हारो, ऐसी बात नहीं है भाई, तू मारो मारो भाई है तू, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो ले बात कर, हेलो कड़ी नहीं हो, उरा कौन है भाई तू, कड़ी दे कड़ी, उरा क्यों ना भाई, उरा तन्ने मारे आदमी के पैसे खा लिए थे, मन ने नहीं जानता, कड़ी देना, उरा क्यों ना भाई, उरा मेरा नाम है कल्लू दादा, अपने घर का पता नहीं बता, घर का पता कहाँ आएंगे वो लोग, घर का पता बता, उरा बता रहा हूँ भाई, अब सुन भाई, कड़ी कड़ी, उरा सुन तन्ने डिफेंस देकर वो है ना तंगी, उसके बराबर में किसी से पूछ ले कल्लू का बाड़ा कहाँ है, अपना
चली दे बोल, तेरे बच्चे खा जाऊंगा, तेरे बच्चे खा जाएंगे, तेरे फैमिली खा जाऊंगा, तेरी फैमिली खा जाऊंगा, सबको चुप के ले जाऊंगा, तुमने समझ लिया? समझ लिया तुमने मेरे भाई? भाई ये बात हुई ना, आज पता चला बदमाशी क्या होती है सेठ बाबा। बुरा तुमने तुम्हारी गैरत को ललकार दिया, ये बताइब कि वो है कौन, ये बंदा कौन था? हाँ। ये ताने का ऐसे जो था। नहीं नहीं, तू पुलिस के बच्चे खा जा, खा ले खा ले। बुरा भाई, इन नस्ल को खा जाएगी पुलिस, तू बच्चे खा उनके। बुरा भाई, मैं बदमाश नहीं हूँ। तू बदमाश है। नहीं भाई, मैं तो कबाब बेचता हूँ। कबाब भी तूने 50 कत्ल किए, तू तो अखबार ताब उड़ बराए भी करे। बुरा भाई, मैं तो तारे खाऊंगा भी नहीं। अरे भाई, यही बैठ, अभी आ रही है पुलिस, यही बैठ। बुरा भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ आए चिटिंग करने, 49 कत्ल किए, 25 अखबार किए, हम पागल बैठे हुए हैं खाली। हेलो, हाय हाय, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए। आपका फोन आया और एक मिनट में आ गई। जी हाँ, आपकी दूसरी गली में मेरा ब्यूटी पार्लर है। आप यही थी? जी हाँ। अरे भाई, मैं समझेगा कहीं दूर है। चलो अच्छा, वो आप आ गए, आपसे बात भी करनी थी। बात ये है कि आपका रिश्ता जो था ना शादी का, वो मैंने तकरीबन तय कर लिया। किससे? आपका रिश्ता तय हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप चाह रही थी ना मुल्क से बाहर आपकी शादी हो। जी हाँ, मैंने अरेंज किया, मैंने। और लंबा रिश्ता है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन मिस्टर ग्रैंड हैंडिम। ग्रैंड हैंडिम, व्हाट ए मैन इन द वर्ल्ड, ही इज अ बिग मैन, 7'3" कद, रिच मैन, रिच मैन, और लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, रेस में 600 घोड़े, 2 शिप, 5 जहाज, पानी के अंदर घर, अंडर वाटर, वाटर प्रूफ मकान, मैं खुद देख के आया अंदर, खूब चाय वाय पी, इधर मछलियां घूम रही है, चीते सब लोग, मैंने देखा खुद अपनी आंखों। ओ या, बहुत बड़ा आदमी है, ग्रैंड हैंडम। अच्छा, वो कैसी लड़की से शादी करना चाहता है? ग्रैंड हैंडम? जी हाँ। ग्रैंड हैंडम ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो लड़की उसके साथ मॉडर्न जिंदगी गुजार सके। वो अपने दोस्तों से मिलाए कि शी इज माई वाइफ, तो वो क्या, आओ क्या आप हमारे साथ हाथ मिलाए, बोले वाई नॉट, हेलो, शेक हैंड करे, वाई नॉट, हेलो, वेरी नाइस, आप में तो बहुत सलाहियत है। थैंक यू। और ग्रैंड हैंडम ये चाहता है कि वो अपनी बीवी को लेके किसी क्लब में जाए, क्योंकि वो ब्रिटिश में रहता है, वो जाए तो उसके दोस्त उसकी बीवी से कहें कि आप हमारे साथ डांस करेंगी, तो वो बोले वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं। आप में बहुत सलाहियत है, आपका रिश्ता हो जाएगा भाई मेरा। ओ या, तो ग्रैंड हैंडम साहब की शादी होगी। वो पाकिस्तान कब आ रहे? वो किसी दिन भी आ सकते। अच्छा, पाकिस्तान उनके लिए क्या प्रॉब्लम है भाई? आपकी तारीफ, ग्रैंड हैंडम, ग्रैंड हैंडम, मगर उनका तो फोन आना था, खुद ही आ गए वो तो। देखिए मिस्टर जवाद, आप जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाएं। क्यों? हमें इनसे बातें करनी है। मुझे भी तो देखने दे, मैंने बनाया है ग्रैंड हैंडम, मैं ना देखूं। आपने भाई, ग्रैंड हैंडम, या या, यू गो, मी गो, मी कम इंशाल्लाह, जाइए ना, या या, यू गो, हम कपाट कर। Oh, Grand Handsome, I love you. मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हाँ, मैंने सुना है कि आपके रेस में 600 घोड़े। Yes, yes, हमारे 600 घोड़े, 600 घोड़े, 1200 छिपकली। क्या? छिपकली का कारखाना। अच्छा, और आपका पानी में मकान है? Yes, पानी में
शिप क्रिकेट का स्टेडियम बना था। क्या? यस, बहुत बड़ा शिप। आपको मैच देखने का शौक है? यस, बहुत शौक है। हमें भी बहुत शौक है। ओह थैंक यू लेडी, तुम हमसे शादी मनाएगी? ओह यस। गुड, तुम हम बहुत अच्छा लगता है हमको। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस ठीक है, अभी चलेगा निकाह करा का। कैसा लगता है हम? तुम बहुत अच्छे लगते हो। बस ठीक है चलो। ओके यस कमिंग। रिक्शा वाला कह रहा है उसको फारिग कर दे आप जरा। रिक्शा भी हमारा, रिक्शा भी, इसका रिक्शा भी है, गैराज भी है इसका। इधर आ बेहया, इधर आ, ये ले पकड़, ये ले, ये गिराने अंदर, ये सारा गिराने अंदर, ये पकड़ अपना, और लानत तुम्हारी शक्ल पे, चीटर इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम हमारे ऑफिस को बदनाम करने के लिए तुमसे कहा कि तुम क्या करके आ गए हैं? तो मुझे कह रहे हो खुद को नहीं देखा अपनी शादी में? तुम भी तो यासिर अरफात बन के आए थे। चलो मुसलमान तो बन के आए थे, तुम्हारी तरह काफिर बन के तो नहीं आए हम। बच्चों देख लूंगा। अरे जा इधर से, तलवार तलवार, गुस्ताख इंसान। थैंक यू मिस्टर जवाद, आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। नहीं नहीं, मेरी तो पूरी कोशिश थी, अल्लाह बचाने वाला। देखिए ग्रैंड एडम का फोन आए तो मुझे इतला कर दीजिए। चलो ठीक है, चले जाइए, शाबाश, चले आप, चल जाइए, जैसे फोन आएगा बता देंगे। दिमाग खराब कर दिया कमबख्त ने, बने बनाए गेम को खराब करता है मनुष्य इंसान। सत्यानाश जाए, हे हया लोग, कमबख्त इनको दफ्तर चलाने की तमीज है नहीं। पार्टी को अंदर लेकर आओ, मुझे क्यों बता रहे हो? बड़ी पार्टी है, पार्टी रस्ते में पिस जाओ, कालीन बन जाओ। सलामुअलैकुम। अरे वालेकुम। मैं सेठू रिश्ते के लिए आया हूँ। अरे सेठू, चलो अच्छा वो बता दिया, वरना मैं धक्के मार के निकाल देता नौकर हमारे। अच्छा वो बता, एल्बम देखिए, एल्बम देखिए, हर किस्म का रिश्ता मौजूद है यहाँ से। देखिए आप हर किस्म का रिश्ता, लड़के को देखिए आप, कितना खूबसूरत लड़का है ये, तो तेजाब गिरने से ऐसा हो गया, बहुत अच्छा लड़का था ये। ये देखिए आप, ये डॉक्टर साहब है, इनके हाथ से कोई बच के अपने घर नहीं जा सका, बहुत खूबसूरत लड़का है। यहाँ देखिए आप, देखिए इंजीनियर है ये लड़का, देखिए डाकू है ये, पुलिस में, हर किस्म का रिश्ता आपको मिलेगा। ये देखिए आप, बहुत अच्छा लड़का है, ये सिविल में रहता है, अम्मा जिना में रहती है, अब्बा बकाई में रहते हैं, सारी मेडिकल फैमिली है। मजा नहीं आया? अबे तू हलीम की दुकान पे है, मजा नहीं आया भाई? रिश्ता देख रहे हैं आप, रिश्ते की क्वालिटीज देखिए आप भाई, कोई चीज देखा? चीज चीज चीज, तुमने इन्हें क्या बताया भाई? शादी का दफ्तर है यार, क्या बेहूदा बात कर रहे हैं आप? ए भाई, मैं अपने रिश्ते के लिए नहीं आया हूँ, अपने औलाद के रिश्ते के लिए आया हूँ। औलाद? तो औलाद को बुलाओ ना, कौन है यार? ए आजा नुसरत साहेब। नुसरत साहेब, क्या बात है भाई? और क्या लेके फिर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हया करो यार, कोई शर्म करो, ये कोई साथ लेके फिरने वाली चीज है? अरे ये मेरी औलाद है। अरे खुदा का खौफ करो यार, ऐसे बच्चे तो लोग फेंक देते, तुमने पाल लिया। अल्लाह का खौफ करो यार, को खुदा का खौफ करो, क्या लिया है? वो देखो तो सही, वो अलगनी पे लटका हुआ बच्चा तुम्हारा। ए भाई मेरी औलाद है, ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है। अरे मजाक हमने किया, तुमने किया, ये मुसलमानों के साथ मजाक किया तुमने। ये मुसलमानों के साथ, अपने मुल्क में मर्दों की जरूरत है। वो डॉक्टर कदीर को देखो, एटम बम बना रहा है, और तुमने क्या बनाया? खुदा का खौफ करो, शर्म वाले बम बना रहे हो, लानती बम है ये। ए भाई ये मेरी औलाद है, मैं रिश्ते के लिए आया हूँ, कोई आपकी नसीहत सुनने के वास्ते नहीं आया हूँ मैं। नसीहत के बच्चे, औलाद भी कोई दिखाने जैसी हो तो आदमी ले आए भाई, क्या लेके आ गए? वो तो देखो, वो देखो। ए भाई इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि लड़की हो, मेरी ख्वाहिश थी लड़का हो। अभी अल्लाह ने हम दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी, नहीं इसको मेरे को दे दिया डबल प्रोग्राम। भाई इसका क्या करना है? भाई इसका रिश्ता तय करना है किसी अच्छी जगह पे, इसकी शादी होगी। अबे भाई सुनो मियाँ, तुम्हारी बारात आएगी या जाएगी, इसका तय तो करो भाई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? रिश्ते तो आपने हजार कराए होंगे, अभी इसका रिश्ता कराओ तो जानू ने। जाने ने। हाँ भाई जी। लो जी। क्या नाम है भैया? नुसरत। लो नुसरत। नुसरत के साथ ही मुंह खुले, नुसरत। नुसरत पापलेट, शादी करोगे? जी। लो जी। वो लड़कियां कहती ना कबूल के वक्त जी, वो वाली आवाज। अबे भाई शादी करोगे? जहन में कोई आइडियल है क्या? आइडियल है,
लड़की खूबसूरत हो बिल्कुल मेरे पापा की तरह। अबे इससे अच्छे तो बेकरी के पापे होते हैं भाई, खुदा का खौफ करिए कोई पापा है तो जलावा पापा है कम्बक। और स्मार्ट हो, हैंडसम हो बिल्कुल मेरी तरह, हम दोनों को एक कपड़े दूसरे के आ जाएं, और जब हम सैर के लिए बाहर निकले ना तो लोग हमें कहें देखो कितनी प्यारी सहेलियां जा रही हैं। सुन तो लांती इसका प्रोग्राम सुन, और डूब के हमारे चाचा ये देखते थे वो क्या बोले हमारे वो तो सहेलियों के चक्कर में है वो, भाई मजाक नहीं करो आप मेरी, मजाक मैंने किया तूने किया, फिर बार बार वही बातें कर रहा, और कोई ख्वाहिश? छह सालियां हो मेरी। लो छह सालियां, वो इसलिए ना मेरे साथ पैर दूध खेलें, गिट्टे खेलें, और जब शॉपिंग करके बाहर से आए ना तो पता है क्या लाएं? एक एक पाव इमली लेकर आए। लो इधर आओ भाई इमली, बदकिस्मत इंसान, ना तू नाना बनेगा ना दादा बनेगा, जा जा पाओ। प्रोग्राम सुन, प्रोग्राम सुन उसका, इमली से तो शुरू हुआ है वो, और वो भी एक एक पाव। अबे को खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान में मर्दों की जरूरत है, कल को जहाद का ऐलान हो गया, ये क्या मोर्चों में फौजी भाइयों के लिए खाना लेके जाएगा कम्बख्त? ये किस काम आएगा ये चाली? बाबा रिश्ता होता तो मैं इधर काहे को आता आपके पास? देखो भाई मैं देखूंगा रिश्ता, कोई मजबूर वालदेन बहुत ही मजबूर हुए जिनकी बच्ची की कहीं भी शादी नहीं हो रही हुई, उससे मैं इसका ब्याह करा दूंगा। हमारी 1000 रुपए फीस है। 1000 फीस है जी, 1000 रुपए हमारी फीस है। ये फीस रखो और इनका टेलीफोन नंबर लिखो। टेलीफोन नंबर? जी हाँ टेलीफोन नंबर लिखो इनका। नंबर लिखाओ भाई, नंबर लिखाओ। मेरा फोन नंबर लिख के लिखो। 4646 5757 छोटी है बड़ी है? ये कैसा नंबर है? अबे किसी मदरसे का नंबर है क्या? घर का नंबर है भाई। घर का नंबर है 5-7 छोटी है बड़ी है? चलो ठीक है ठीक है, लिख नंबर लिख लिया। एक्सटेंशन भी लिख लीजिए प्लीज इसके आगे। लिखाएं लिखाएं 437 437 58। अब बकवास है भाई, 7.5 कैसे लिखते हैं? अबे 7 रुपए 12 लिख ले यार खुदा, माफ चरिया कर दिया भाई इन लोगों ने। ठीक चलो भाई ठीक है, रिश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, बच्चा ले जाओ देखभाल के, और हफ्ते में 2 दफा इसे धूप दिखाया करो। बहुत अच्छी बात, हाँ ताकि इसमें कोई तरोताजगी पैदा हो। फोन जरूर करना भाई। हाँ जी हाँ जी, चलो चलो शाबाश। पार्टी अच्छी थी भाई। अबे क्या खास पार्टी थी मनोज, लाओ पैसे दो। तुमने चीटिंग की है? नहीं बस, और आंदा यार इसको तो कभी रिश्ता भी नहीं कराना, किसी की बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ यार कम्बा का तुम्हारे। एल्बम लाओ एल्बम लाओ, एल्बम दिखाओ एल्बम दिखाओ, फोटो में देखिए फोटो में देखिए फोटो में देखिए, क्या खूबसूरत लड़के की फोटो देखिए फोटो देखिए। ये साइड पोस्ट था, फ्रंट पोस्ट देखिए, आई खूबसूरत तस्वीर है, बेहतरीन जिंदा तस्वीर है, नेगेटिव पे कोई एतबार नहीं है। आप मेरी बात तो सुने। मैं बात नहीं सुनता। मैं यहाँ रिश्ते के लिए नहीं आई। अच्छा मैं समझ गया, आप टाइम पास करने के लिए आई हैं। ये काहे के लिए आई आप? मैं एक रिसाले में आर्टिकल लिख रही हूँ। ओह ओह लिखत वाली है, अच्छा माफ कीजिएगा मैं आपको गलत समझा। हाँ भाई वो चलो भाई लाओ कोक वोक लाओ, वो तो खत्म, मैंने परसों कोक छोड़ी थी, आधी कहाँ है वो? खत्म हो गई। खत्म हो गई? कोक तो हम लोग पीते ही नहीं है, कोक तो हमने बायकॉट कर दिया, यहूदियों की कंपनी है ना, मुसलमान तौर पर बायकॉट, कोक नहीं पीता, पाकिस्तानी में शुरुआत, गन्ने का रस गिड़िम बड़ुम बड़ाम। हाँ भाई वो चाय भाई चाय पी कोई? नहीं प्लीज, चाय चाय छोड़ी थी, चाय चाय वो धूप में रखी थी पिघल गई चाय। अच्छा बेटा वो मोम में पकाई थी चाय? कोई बात नहीं। अच्छा आप वो कुछ पिएंगे? जूस? कोई जूस नहीं, नहीं नहीं क्या बात है, नहीं, जूस वगैरह नहीं, एनीथिंग नहीं, कोई जूस ठीक है, तो जाए फिर पी के आ जाए, हम लोग यहीं हैं। पी के क्या? मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मुझसे सवाल कर रहे हैं, प्लीज सवाल करें। पहला सवाल ये है कि हमने सुना कि शादी दफ्तर वाले फ्रॉड करते हैं। शादी दफ्तर वाले फ्रॉड करते हैं? ये आपसे किसी ने बदतमीज ने कहा? तुमने कहा ये फ्रॉड करते हैं? तुमने बताई ये बातें? नहीं नहीं, हर जगह बातें करता लड़कियों से। मैंने कहा था मुझे पहली दफा मिली है। हाँ नहीं नहीं, हाँ बताइए क्या, किसने कहा फ्रॉड करते हैं? हम तो वही करते हैं जो वालदेन की मर्जी होती है, आपस में मीटिंग कराते हैं, हम तो सिर्फ कमीशन लेते हैं, हम तो बड़े बड़े रिश्ते कराते हैं। देखिए आप श्रीदेवी का रिश्ता मैंने करवाया था पहला, मधुरी के चक्कर रिश्ता करवा रहा हूँ, मेडोना भाभी सब रिश्ते में करवा रहा हूँ, मेडोना भाभी का भी देखिए, वो देखिए रेखा भाभी, रीमा पता नहीं भाभी है कि नहीं,
अच्छा शादी हम सब रिश्ते करवा रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े रिश्ते करवाए मैंने। हाँ, एलिजाबेथ टेलर की 8वीं शादी हमारी वजह से हुई है। हाँ, हमारी वजह से हुई है। अच्छा, और हमने ये भी सुना है कि आप लड़की को ये कहते हैं कि हम आपकी शादी अमेरिका में करवा देंगे, लेकिन आप उनकी शादी यहीं कहीं चिचावती में करवा देते। किसने कहा आपसे? ये लड़कियों के माँ बाप का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि वो उस वक्त रिश्ते के लिए निकलते हैं जब लड़की की उम्र हाथों से निकल जाती है। उस वक्त रिश्ते के लिए, उस वक्त तक वो घर में बैठ के आइडियल का इंतजार करते हैं, जापान से आ जाए, इंग्लैंड से आ जाए, अमेरिका, जब कहीं से भी नहीं आता फिर निकलते हैं कि चलो ढूंढे। जब ढूंढने के लिए आते हैं तो नतीजे एकदम जल्दी करते हैं, जल्दबाजी के अंदर वो बाहर के रिश्ते मांगते हैं, उसमें गलतियां हो जाती है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है। ठीक है, मैं आपकी बात पे उस वक्त एतबार करूंगी जब मेरी शादी अमेरिका में करवाएंगे। क्यों नहीं भाई, मैं जान सर धड़ की बाजी लगा दूंगा, और अमेरिका का रिश्ता नहीं आया तो मैं खुद अमेरिका जाऊंगा, अपना रिश्ता भेजूंगा। क्या? अपनी बात निभाने के लिए भाई, ऐसी क्या बात है? अच्छा, आप ये बताइए कि मैं कब आऊं? आप कभी भी ना, हैं? आप कब आए? आप कल आ जाए। कहाँ? रिवाली सिनेमा। रिवाली? रिवाली? हाँ, वहाँ आ जाए, फिर वहाँ से चलेंगे। कहाँ? किसी अस्पताल में। अस्पताल? अबे हाँ, मुलाकात के लिए अस्पताल बेहतरीन है, हड्डी वाट के बाहर बैठ जाओ, पट्टी बांध के। किसी को नहीं बोला पड़ता, लोग तो मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, हड्डी वाले बैठे जीऊंगा के लिए। बाबा जाओ बहन को रिक्शा कराओ। बहन? अबे हाँ बदतमीज, जब बाहर कौन बदतमीज, हमारे अलावा देखो देखो मोहल्ले में कौन आया नया। यार ये तो वही क्रिकेटर आया पिछले साल जिसकी शादी नहीं कराई थी हम लोगों ने। हाँ बुलाओ, कहाँ बुलाओ, आजा भाई आजा। क्या किराए पे भी चला सकता आदमी। अब क्या हो गया? अरे यार वो बीवी है मेरी, पहले मैं क्रिकेटर था, कहती थी मैं तुम्हारी फैन हूँ, अब कहती मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, बहन हूँ। क्या बोलती है वो? वो कहती है मैं मार्शल की फैन हूँ, गार्नर की फैन हूँ। बताओ तो क्या हुआ यार, फैन तो किसी का भी आदमी हो जाता है, उसमें क्या यार। अबे नहीं यार, चलो यहाँ तक तो सही है। अब मैं तुम्हें एक वाक्य बताऊं। क्या? अभी परसों परसों मेरे यहाँ बच्चा हुआ। इसमें हम पे क्यों गुस्सा हो रहा भाई, क्या बात है? हम पे गुस्सा होने वाली क्या बात है यार, तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ ठीक है, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा है? हमारा गुस्सा हो रहा है यार, गुस्सा हो रहा है तो खुशी की बात है, खुशी से सुनाओ। अबे तो मैंने तो इतला दी है, तो इतला ऐसे देते हैं गुस्से में? अच्छा मेरे यहाँ बच्चा हुआ। वो खुफिया हुआ? खुल के बात करो, बच्चा हुआ, हंसो, मेरा बच्चा हुआ, ऐसे बोलो, मेरा बच्चा हुआ। बड़ा छिछोरा बच्चा हुआ भाई। अबे कहीं तो दिख जाओ यार, चलो बच्चा हुआ बस सही है। रोंदी शक्ल हुआ गंबा। अरे भाई बच्चा हुआ आके तो सुनो, मैंने कहा मैं इसका नाम रखूंगा, मैं इसका बाप हूँ, मैंने कहा मैं इसका नाम रखूंगा मुर्सलीन। उसूल की बात है, कितना प्यारा नाम मुर्सलीन, बहुत प्यारा नाम। कहती तू नहीं रखेगा इसका नाम, फिर वो रखेगा मुशी। मुशी कौन है? मार्शल। मार्शल को कह रही मुशी, मुझे कभी नहीं कहा प्यार से ऐसे। यार ये जाती वाली बात। मैंने कहा वो कह रही इसका नाम मार्शल आके रखेगा। मैंने सोच लिया उसका नाम। क्या? उसका नाम मैं रख दूंगा मार्शल। क्या फायदा होगा? लो इस तरह वो उसका बेटा हो जाएगा। इन तुम्हारी बीवी को भी तो काफी मतलब हो जाएगा, वो भी तो उसे प्यार करेगी। मार ये भी तो देखो ना फिर घर में। अबे तो क्या करूं, मेरा नाम रख दे। हाँ तो तुझे भी तो करेगा। मैं तो घर का आदमी, मुझे तो समझा भी सकते हो तुम लोग यार। नहीं बस मैंने सोच लिया है, ये बच्चा बड़ा होगा खुद अपना नाम रख लेगा भाई। ठीक है ये बच्चा खाली जाने दो यार। ठीक है ठीक। अबे नहीं यार मेरी शादी करा यार दूसरी यार। ओए मैडोना ले दो ना। मैडोना से भी तो पूछना पड़ेगा उसे ये भगोना पसंद है कि नहीं। मैडोना ख्यालात देखो कितने आला हैं, जहाँ वीजा लेके जाना पड़ता है इनके मुल्क में। अरे छोड़ो मैडोना को, मेरी दूसरी शादी कराओ, मैं उसको तलाक दूंगा। हमारा दिमाग खराब हो गया, तलाक दोगे? कितना आसान समझा हुआ आप लोगों ने लफ्ज तलाक, इसके असरात का पता क्या? क्या? अबे बेवकूफ आदमी, मियां बीवी इस गाड़ी के दो पहिए हैं और बच्चे उस गाड़ी के मुसाफिर हैं। अगर गाड़ी का एक पहिया भी निकल जाए तो गाड़ी रुक जाएगी,
और मुसाफिर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। हमें तो उन्हें उनकी मंजिलों पे पहुंचाना है, गाड़ी को रोकना नहीं है, चलता रखना है ताकि वो अपने मुकाम पे पहुंचे। जाओ घर जाओ और अपनी बीवी की अपनी माँ बहनों की तरह इज्जत करो, चलो जाओ। नहीं मतलब उसकी इज्जत करो। करूंगा, एक बात है। हाँ तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी है, ठीक है, लेकिन तलाक फिर भी दूंगा। ठीक, फिर भी तलाक। ये ढीठ आदमी है, इसको जाने दो। ढीठ आदमी, मेरी बात का माइंड मत करियो। क्यों क्यों? मैं पागल हूँ। मैं तो पागल था यार। यार बड़े वाहियात लोग आ गए, मैं अल्लाह माफ करे यार। मैं अभी फीस लेके आया। ये है कौन पागल? मुझे क्या पता कौन है। आप मुझसे कह रहे शादी कर ले? हाँ नहीं नहीं, आप अभी ऐसी जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले एल्बम देख लें। एल्बम देखें? एल्बम एल्बम है, एल्बम। लड़का तो देखो, इधर से आके देखे, साइड पोज देखे लड़के का, बहुत प्यारा लड़का है, फ्रंट पोज भी देखा है। प्लीज आप मेरी बात तो समझिए। बात तो समझा रहा हूँ मैं आपको, खुलेआम एल्बम दिखा रहा हूँ। देखिए मुझे तो एक आइडियल की तलाश है। अच्छा आपका कोई आइडियल है? जी आप हमें बताएं, हमारे पास सैकड़ों लड़कों की तस्वीरें, हम आपका आइडियल ढूंढ देंगे। मेरा आइडियल लंबा कद हो। लंबा कद हो, आपने ट्यूबलाइटें चोरी करवानी। मेरी बात समझिए, लंबा कद हो, बिनाई कमजोर हो, एक बाजू कटा हुआ हो, एक टांग भी टूटी हुई हो और घिसट घिसट के चलता हो और दांत आपस में लड़ रहे हो और जबान वो बोले जो किसी की समझ में ही ना आए। मैं समझ गया, आप पाकिस्तान से शादी करना चाहते हैं। पाकिस्तान से? अबे हाँ, सारा नक्शा अपने मुल्क का बताया, एक बाजू कटा हुआ, घिसट घिसट के चल रहा है, बिनाई कमजोर है, दांत आपस में लड़ रहे हैं, जबाने समझ में नहीं आ रही, सारा अपना बना बनाया अपना मुल्क है यार। ओहो देखिए मुझे शादी नहीं करनी। आपने मजाक करना कोई? मेरी बात समझिए। हाँ मुझे शादी नहीं करनी। फिर? मुझे तो एक इश्तिहार बनाना है भीख मांगने के खिलाफ। अच्छा, भीख मांगना बुरी आदत है, ये आपने पब्लिक को बताना है? जी। हाँ यार भीख मांगना तो बहुत बुरी आदत है यार, ये लानत खत्म होनी चाहिए। बहरहाल आपको जैसा लड़का चाहिए ऐसा ढूंढने का बहुत मुश्किल होगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ऐसा बना दूंगा इंशाल्लाह, मुझे आपके लिए तैयार करूंगा ये लड़का। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये मेरा कार्ड है, आप मुझे दीजिए। जी मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपको बहुत टेलीफोन करूंगा, मेरे दोस्त भी करेंगे, रातों उठ उठ के भूल गए। आप हंसते बहुत अच्छे हैं। वंस मोर? अच्छा चलो आपा को रिक्शा कराओ, इस तरह ये पीछे नहीं आता इसके। अच्छा, बाबा। अच्छी लड़की थी यार। अरे यार अल्लाह का माल है, हमारा क्या है। इसीलिए तो तुमसे कोई चालान नहीं होता, तुम्हारा तो अपना चालान होना चाहिए। पी पी पाम पाम सलाम अलैकुम। पाम जल्दी बात करो, पीछे 3246 आ रही है। मैं रिश्ते के लिए आया हूँ। रिश्ते के लिए? हाँ रिश्ते के लिए आया। तो आप अपना आइडियल बताइए, अपनी चीज बताइए, अपना को मुकाम बताइए, अपना ओहदा बताइए, कब शादी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और शादी क्यों कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही कर रहा हूँ जी। शादी लड़की इस किस्म की होनी चाहिए, उसमें 5 खसूसियात होनी जरूरी है लड़की में। जी नंबर 1, हाँ लड़की ओवरटेक ना करे। ओवरटेक ना करे, डिपर देती रहे, हॉर्न सही हो और टोकन पूरे हो। माशाल्लाह मजदा से शादी कर ले तू, चल। तेरा दिमाग खराब है, कोई शादी के मतलब कोई गाड़ी से शादी करने आया भाई? खुदा को मानो भाई, शादी के लिए तो खानदानी रिश्ते होते हैं, आपस में वालदैन से मीटिंग होती है, फिर शादी होती है। हमारे यहाँ शादी में 500 रुपए फीस है, पहला तो ये बात है, फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा, फिर वालदैन से मीटिंग होगी, फिर शादी। ठीक है जी, 500 रुपए फीस दे, चले चल ना करें। वेरी गुड, लो बेटा इसमें 10 रुपए की नारी भी ले आना, चलो चलो। आया इसमें इतनी चीज रखी, मैं नारी भी ले लो। अच्छा कब आओ सर? आप 1 हफ्ते के बाद आइएगा। पी पी पापा सलाम अलैकुम। टीडी पापा निकल लो, चलो चलो। बताओ रिश्ते के लिए आ गए, खुलेआम ही आ गया। लड़की आई है फॉरन की है? लड़की बाहर ममालिक से। कहाँ से? बाहर ममालिक रहता है। क्या बात है, सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, क्या बात है।
वो लड़की आई है फॉरनर। फॉरनर? अरे अंदर लाओ यार, रिश्ते के लिए है ना, लाओ। फीस आई है अल्लाह का तरफ से। बड़ी इंग्लिश इंग्लिश बोली है यार। इंग्लिश बोली है? इंग्लिश? अबे तो मैं कैसे बात करूं? तू फिक्र नहीं कर, मैं कर लूंगा बात। ये इंग्लिश आती है? कब? बोल के बताऊं? हाँ बोल। ए व्हाट इज दिस डोमिसाइल? डोमिसाइल कैसी बोली? वाह। शनाख्ती कार्ड और कोई कागजात चाहिए? पूरे कर दूं फाइल। बुलाओ लड़की को। डोमिसाइल इंग्लिश बोल। हाय हाय हाय। ये शादी का दफ्तर है? नहीं, ये पेट्रोल पंप। दिस इज मैरिज बैरो। रियली? या सो आई वांट टू गेट मैरिड। यू वांट टू गेट गेट मैरिज? जो मैरिज के गेट नहीं बनाते उनका पता पूछ रही। या मैरिज गेट? यस आई नो सलीम गेट मेकर। या नहीं नहीं आप समझे नहीं। या मैं तो आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका एंड आई हैव ग्रीन कार्ड। आई हैव ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड? मेरे फादर का बहुत बड़ा विला है अमेरिका में। और हमारी लेदर गार्मेंट की फैक्ट्री है एंड प्लस द ग्रीन कार एंड यू नो द वैल्यू ऑफ ग्रीन कार इन पाकिस्तान। या हैप्पी हैप्पी। या छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। व्हाट नॉनसेंस? नो नो नॉट सेंस एच निजामुद्दीन एंड सेंस। नॉनसेंस के तंबू सही नहीं है, सुराग है उनमें। तंबू? शादी के लिए तंबू की बात कर रही है ना? या मीन जी नहीं, ये शादी का दफ्तर है, मैं शादी करना चाहती हूँ। आप शादी करना खुद चाहती है? यस। यस तो फिर इंग्लिश में बात करें ना, उसमें क्या है? अल्लाह की बड़ी देन है। आपके पास ग्रीन कार्ड भी है? या हरे रंग का? हरे रंग का ही होगा ना वो। ग्रीन? ग्रीन माने हरा। ग्रीन कार है, मेरे फादर की लेदर गार्मेंट की फैक्ट्री, बहुत कुछ है, अल्लाह का फजल है हमारे पास। अल्लाह का फजल है? yes. फजल को बुलाओ, सामने वाले फजल नहीं है। एक्सक्यूज मी जी, आई वांट टू गेट मैरिड, आई टोल यू। टोल मी? टोल टोल स्टूल स्टूल। ये शादी करना चाहती है यहाँ पे जाहिल, जब तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलते हो? जाहिल हो तुम लोग। मैं ये चाह रहा था कि आप शादी करना चाहती हैं, आपके पास ग्रीन कार्ड भी है। yes. और आप अमेरिका में रहती हैं और आपके फादर की लेदर गारमेंट की फैक्ट्री है। yeah. तो आप या अच्छा या तो आप यहाँ शादी क्यों कर रही हैं? आपको किसकी बद्दुआ है? लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, आप यहाँ आ रही हैं। मैं बता दूं आपको? हाँ मुझे सच सच बताएं, आपको शादी करनी है, आप मुझे हर हालात सही बताएं, क्योंकि हमें लड़के वालों को सारी बातें बतानी पड़ती हैं। बात यह है कि ना तो मेरे पास ग्रीन कार्ड है और ना मैं अमेरिका से आई हूँ और ना ही मेरे फादर की लेदर गार्मेंट की फैक्ट्री और विला। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वो भी मुझसे जिसका 12 महीने यही काम है? मैं तो इसी मुल्क की एक सीधी सादी सी लड़की हूँ, मुझे मॉडर्न बनने पर मजबूर किया तो इस मुआशरे के इन लोगों ने, जिन्हें जहेज में अंग्रेजी बोलने वाली लड़की और करोड़ों रुपया चाहिए। मैंने आपसे ग्रीन कार्ड का झूठ बोला तो सिर्फ इसलिए कि शायद इस तरह मेरे नसीब के कार्ड पर लफ्ज़ सुहागन लिखा जा सके। मुझे बताइए, जवाब दीजिए, क्या कसूर है मुझे से उन हजारों लड़कियों का जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है? और अगर हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं तो हमें येलो कार्ड दिखाकर निकाल दीजिए। देखिए आपका मसला बड़ा, बहुत ही गहरा मसला है। इस मसले में सबसे बड़ी पहल जो है वो नौजवान नस्ल कर सकते हैं, अगर वो बगैर जहेज के शादी को जरिया आमदनी ना समझे बल्कि एक इंसान समझ के लड़की से शादी करें तो शायद इन तमाम मसाइल का हल हो सकता है। दोस्त, क्या तुम बगैर जहेज के शादी करने की इस रस्म में पहल कर सकते हो? हाँ, मैं पहल करने को तैयार हूँ। तैयार हो? तो फिर ठीक है, मैं भी इसे अपनी बहनों की तरह रुख्सत करूंगा और जो भी साहिब हैसियत होने की दे सकता हूँ इसे जरूर दूंगा। आओ मैं तुम्हारे कागजात बनवाता हूँ। आइए। We'll be right back.
खबरदार खबरदार, तमीज से, कौन है आप? अपने काम से काम करो, जो क्या है। हाँ वाल साहब, हाँ चले। अबे क्या है वो बात? ये है कि वो ना सारी डाले किस किस्म की भाई तू? और है बात दरअसल ये है शादी कि मैं ना आपसे कितने दिनों से बात करना चाह रही थी, मगर आप मेरे साथ इधर इतना लोग आए रहते हैं ना, कोई टाइम ही नहीं मिलता आपके पास ना बात के लिए, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाले ना मेरे से बात। मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, वो असल में शादी शुदा हूँ ना, हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं भी शादी करना चाहती थी। मैं अभी नहीं कर सकता, मेरा हाथ तंग है, मेरा माली परेशानियां, दफ्तर सेट नहीं हुआ अभी। पर शादी, मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती। फिर किसके साथ? साहब जी मेरी भी कोई तमन्नाएं हैं, कोई आरजुएं हैं, कुछ समझ आई आपको? हाँ मुझे समझ आ रही है। साहब जी मैं ना वो जो फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर, उनके साथ शादी करना चाहती हूँ जी। फिल्म के डायरेक्टर के साथ? क्यों? बात दरअसल ये है कि अगर ना फिल्म के डायरेक्टर के साथ मेरी शादी हो गई ना, तो वो ना मुझे फिल्मों में हीरोइन ले लेंगे। अच्छा, तो फिल्में अपने घर में चला के देखेगी तू? हीरोइन आई जी? नहीं, सारी दुनिया कहती है मेरी शक्ल ना बाबरे शरीफ से मिलती है। अच्छा है, बाबरे तो अपने घर वालों से नहीं मिलती, तेरे से शक्ल मिलती है। तेरे मां दिमाग खराब है, बाबरे नहीं मिलती। अबे नहीं मिलती ना? नहीं मिलती। नहीं, मेरा कद तो मिलता है। कद मिलने से कोई किस्मत तो नहीं मिल जाएगी। बाबरा शरीफ अपनी अदाकारी से ऊपर आई है और डायरेक्टर से शादी करोगे, तुम्हारे में वो फनमन है? हाँ मैं तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपको एक्टिंग करके दिखाऊं। आप मुझे एक्टिंग करके दिखाओ, मैं डायरेक्टर का वो रिश्ता होगा तो आपकी शादी करा दूंगा। हाँ? कहा जा रही हूँ? मुझे बचा ली। अबे मेरी बीवी आ जाए। मुझे बचा ली थी। अब्बा हुजूर। कमबख्त मारी, सारे सपने चकनाचूर कर दिए, एकदम ही मुंह खोल के कह दिया अब्बे। इस तरह तो कोई सगे अब्बा को नहीं कहता जैसे तूने मुझे कह दिया। वो तो फिर एक चानस और दे दीजिए। एक चानस की बजाय अब्बा अब्बा नहीं कहना, ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा कभी। ये मेरा वादा है, मैं आपको अब्बा कभी नहीं बोलूंगा। कभी भी नहीं बोलना अब्बा अब्बा, मेरी बीवी घर में। चानस एक और। हाँ ठीक है बोल, मैं आपको एक्टिंग करके बुखार। हाँ खुदा ना मेरे बच्चे को गुंडे उठा के ले गए। अल्लाह, आप बचा लीजिए, बचा लीजिए उन बच्चों को। आखिर उनका कौन है इस दुनिया में आपके सिवा? मैं कौन हूँ उनका? आखिर आप भी तो उनके मामू लगते हैं। अबे तूने सिर्फ मेरा ही ठेका लिया हुआ है। अब्बा मामू इन एरिया से बाहर निकाल मेरे को, ये एरिया मुझे सूट नहीं करते। अब्बा मामू फुप्पा चाचा इधर आगे निकलो, थोड़ा आगे मॉडर्न एरिया है, वहां जाओ। तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा फिर ऐसा करें कि डायरेक्टर के साथ अगर शादी नहीं हो सकती ना, तो आप ना तवील शेख के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। तवील शेख? वो लंबे से मुंह वाला लंबा। अच्छा जो फिल्मों में हीरो है तवील शेख? हाँ। ओ, जिसका मुंह शिवालिया निशान, इधर नुक्ता भी लगा हुआ, वही वही वही। उससे शादी करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उसके पास कहाँ टाइम है? वो तो इतना भूखे 95 तक शादियों में भूखे। वो तो खुदा का खौफ करो, वो तो कई इसका तो बिजनेस है ये शादियों का। पागल हो गई तू, उससे शादी कर रही है? कोई और रिश्ता बोल मेरे पास, तो हजारों रिश्ता जो बोल मैं करा दूंगा। बोल बोल। मैं ना वो सामने वाली क्लिनिक नहीं है। हाँ। उसमें ना पोचा लगाने जाती हूँ। क्लिनिक में? हाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा डॉक्टर है जी। अच्छा। उससे मेरी शादी करा दे। डॉक्टर से? डॉक्टर से। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, डॉक्टर से शादी करी है पागल? डॉक्टरों के शादी में तस्वीरें नहीं जाती। जी लड़ अम्मा तो शादी करते तस्वीरें दिखाते ना, डॉक्टर लोग एक्सरे मांगते, मेरी एक्सरे दिखाएं, फिर गुर्दे पित्ते पथरी तो नहीं है, ये तो ये मुसीबतें हैं। फिर डॉक्टर साहब से शादी होगी, वो अलग पागल। वो डॉक्टर तो पागल है, वो तो हर बात में डॉक्टरी की बात करता है, वो तो शादी वाले दिन भी डॉक्टरी ही करेगा। कम बात मारा तेरा घूंघट उठा के भी कह देगा, मुंह खोलिए लंबे लंबे सांस लीजिए,
थर्मामीटर लगा तेरे मुंह में बुखार चेक करेगा, दवा पिला दे, पागल हो गए शादी कर रहे तो। अच्छा डॉक्टर से शादी करने में क्या बेवकूफ। शुक्र है मैं तो बच गई, मैंने आपको अपना रहता बता दिया। वैसे मेरी नजर में एक और रिश्ता है, मैंने कभी कभी वो है ना अदालत, वहाँ भी पोछा लगाने जाती हूँ। अदालत की सफाई करने जाती हूँ, बहुत जरूरी है। वहाँ ना एक वकील आता है, वो भी चंगे पैसे कमा लेता है। वकील से शादी करे? तेरा दिमाग खराब है, ढूंढ ढूंढ के आदमी निकाले, वकील से शादी करेगी? पागल वकील भी है और बेवकूफ, वकील से शादी नहीं करनी तुमने। क्यों? तुम नहीं करो वकील से शादी, तुम ऐसे आदमी शादी करो जो तुम्हारे टाइप का हो, कोई और आदमी देखो, मेरे पास वकीलों का रिश्ते नहीं है। ओहो तो मतलब कि क्यों नहीं कर सकती मैं? और नहीं ना पागल, वकीलों के मैंने भी एक वकील की शादी करा दी, तलाक हो गई। हाँ घूंघट उठाते बीवी से कह दिया जो कहोगी सच कहोगी, उसने सच कहा, सुबह तलाक दे दी कम बगल। इसलिए बोल रहा हूँ मत करो अभी। वैसे एक और रिश्ता मैं बताती हूँ। कौन सा? ये लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। कौन? इनके पास बड़ा पैसा होता कौन? है। अगर हमारा भी दिल है कोई चंगी जगह शादी करे, चंगा लीड़ा पहने, मेकअप शेकअप करे, ज्वेलरी शूलरी पहने ना, तो मैंने उसके लिए एक रिश्ता देख लिया। कौन सा? कोई खूबसूरत सा लीडर ढूंढ दो। लीडर? लीडर? लीडर से शादी करेगी मर जाएगी पागल। और लीडर है शादी करेगा, शादी करके तुम्हारा शादी हो गया, निकाह हो गया, वलीमा हो गया, दूसरे दिन बोलेगा निकल जाओ घर से बाहर। तुम बोलोगे क्यों, तुमने तो मुझे निकाह में कबूल कबूल कहा था, वो कहेगा वो मेरा सियासी बयान था, फिर क्या करोगे? अच्छा पागल हो तुम, समझा करो भाई। ये सारे ऐसे होते हैं? अरे यार सब नहीं होते, बहरहाल ऐसे भी होते हैं। अच्छा वो एक और मेरे ज़हन में आया, वो मैं सुबह 6 बजे झाड़ू देने जाती हूँ, वहाँ एक कांस्टेबल है, वो क्या नाम है, नीफा, नीफा जानते ना? अबे तो तेरे ज़हन में इतने रिश्ते हैं तो खुद शादी कर ले, इसको खुद शादी कर ले कमबख्त। अच्छा हाँ तो किसी जूडो कराटे वाले से करवा दो। जूडो कराटे? हाँ। ताकि तेरा घूंघट उठा और सुबह तुझे दफना दे, मुसीबत कमबख्त हमारी करवा दो। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, फिर एक रिश्ता? हाँ बोल जल्दी बोल। अब जाहिरा मैं अपने मुंह से उनसे जाके तो नहीं ना कह सकती, ठीक है ना? अब कौन है? अब वो है क्या कहते हैं, मैं पीटीएन टीवी देखती हूँ ना, उसमें बड़े बड़े पहलवान आते हैं, उनमें से किसी एक से शादी करा दो मेरी। पहलवान से शादी? हाँ। बेवकूफ, मैंने कराया था एक पहलवान का रिश्ता, उसने घूंघट उठाया बोला हल्का कबड्डी 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 और हाथ लगा के ऐसा भागा, आज तक वापस नहीं आया। बवाल हो जाएगा भाई, तुम्हें जब कह रहा हूँ बवाल हो जाएगा, समझे ना? तुम एक काम करो, तुम आती रहती हो ना? हाँ। आती रहो, इंशाल्लाह को रिश्ता मिलेगा, अच्छा सा मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा। लेकिन ये देख के आना कि मेरी बीवी घर में ना हो। अच्छा हाँ तो मैं भी जाऊँ? ठीक तो फिर आऊंगी। निकल लो ठीक है? मेरी बीवी के आने से पहले। वैसे अपने बारे में भी सोचना, ख्याल बुरा नहीं है। हाँ हाँ ठीक। बताओ मैं शादी करे तो मेरे चक्कर में मनोज मारूंगा, शादी दफ्तर खोल के पागल हो गया हूं मैं, हर आदमी अपना रिश्ता खुद ला रहा है इससे शादी। जी जी आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। जी नहीं मैंने नहीं पहचाना आपको। जी मेरी बेटी का रिश्ता आप ही के दफ्तर से हुआ था, याद आया आपको? हजारों रिश्ते होते नहीं, मैं अब किस किस रिश्ते को याद रखूंगा जनाब? आपने कहा था कि वो बहुत शरीफ आदमी है, कारोबारी है। जी जी लेकिन ये मेरी बेटी का खत आया है जेल से। जेल से? जी हाँ, वो आदमी स्मगलर था, मेरी बेटी को हीरोइन से भरा ब्रीफ केस दे के खुद गायब हो गया। आपने मुझसे क्यों झूठ बोला था? सिर्फ अपनी फीस के लिए, चंद सौ रुपए के लिए आपने मेरी बेटी को भेंट चढ़ा दिया। जनाब आप गलत समझ रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो रिश्ते तय कराते हैं। अब अगर कोई आदमी स्मगलर निकला है तो इसके माथे पे तो नहीं लिखा होता जनाब, इसमें हमारा क्या कसूर, आप खुद सोचिए, हम तो सिर्फ रिश्ते कराते हैं। ठीक, कसूर तो वालदेन का है ना, जो आपके बहकाए में आके अपनी बेटियों को रुखसत कर देते हैं। मैं आज ऐसे ही वालदेन से कहना चाहता हूं कि मत आना इनके बहकाए में, ये शादी दफ्तर वाले स्मगलरों के एजेंट हैं, मुजरिमों के लिए काम करते हैं, इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। मत आना इनके बहकाए में, वरना एक दिन तुम्हारे हाथ में भी इसी तरह बेटी का हाथ होगा और कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला।
अच्छा हुआ तू आ गया यार, वरना मेरा जमीर जाग जाता। अरे मैं तो खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या? बोलो बोलो। साउथ अफ्रीका से शहजादी आई है अपने रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए? हाँ। शहजादी? हाँ। बुला यार, बुला शहजादी को। उनका सेक्रेटरी भी आया। अरे उनका तो कुत्ता भी लेके आओ यार। कुत्ता? लाओ लाओ सेक्रेटरी। बुलाओ। अलीगानी मुजूरी। जंबो साना अलीगानी मुजूरी। कौन है ये सब लोग? इश्क बाला इश्क बाला लहदी नी चपन सभी गरी। इश्क बाला लहदी नी चपन सभी गरी। क्या कर रहे हो भाई तुम? ये कौन है? ये क्या लिया अभी अंदर? सेक्रेटरी है उनके। उनके सेक्रेटरी? वो खुद कहाँ है? सेक्रेटरी पहले आ गए। भाई और बहनों, बिना के गीत माला में आपके लिए लाया हूँ अफ्रीका से एक हसीन तोहफा, और उसके साथ ही है एक हसीन धोखा, वो है हसीना 420 प्रिंसेस सांता क्रूज़ा। सांता क्रूज़ा? है उन्हें तो लियाओ, गली में खड़ा किया हुआ क्या? एक मिनट, उनके बारे में आपको बता दूं, जिनके 600 से ज्यादा पानी के जहाज और 300 से ज्यादा तकरीबन हवाई जहाज और 600 से ज्यादा अरबी नस्ल के खूबसूरत घोड़े जो मैदान में पड़ाक पड़ाक सरपट दौड़े। चुप कर भगोड़े निगोड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती है? उन्हें बुलाओ जो है। आएंगी वो जरूर आएंगी, लेकिन उनके लिए होगा संगीत। बुलाओ उन्हें। और संगीत के साथ होगा गीत। गीत गाऊंगा मैं, उसके बाद वो तशरीफ लाएंगी। देखो ये कौन आ गया, बनते नशा छा गया, कोई पहाड़ो कोई नजारो, उनके ख्यालों में कोई नजारो, देखो ये कौन आ गया है, रूठे हुए को मनाओ, गाँवों में कलियां बिछाओ, मेरा सनम। Gentlemen, a big hand for Princess Santa Cruza! Welcome to the back to pavilion. Princess Santa Cruza! Santa Cruzi! Cruza! Cruza! Yeah! Santa Cruza, aapko Pakistan mein main khushamdeed kehta hoon. आपके माँ बाप आप पे कुर्बान, आप यहाँ तशरीफ लाए, हुक्म कीजिए बंदे के लिए क्या है, कौन है, बोलो ना। अबे क्या पत्थर डाल के कनस्तर में खड़खड़ कर रहे हो? ये कौन सी जबान है? ये हमारी एक अपनी जबान। या मिस सांता क्रूज़ा, वेलकम टू हियर। Thank you. So nice of you. So nice of you. आप हुकुम करें, आप कैसे तशरीफ लाए? हमने सुना था पाकिस्तानी मर्द बहुत ही वफादार होता है। पाकिस्तानी मर्द तो दुनिया में वफा में मशहूर है, उनसे बड़ा कौन मशहूर होगा वफादारी में? क्यों भाई? Of course. Oh yeah. इसलिए हम पाकिस्तान आया, इस वास्ते हमने इधर का लैंग्वेज सीखा, इसलिए हमने इधर का कल्चर को अपनाया। हमसे जो भी शादी करेगा हम उसको अपना सारा दौलत दे देंगे। What a great princess! Shut up you! Please. और यार मैं सांता क्रूज़ा जो शादी करेगा सब दौलत दे देंगे? Of course. आपको किस किस्म का हस्बैंड चाहिए? हम को इस किस्म का हस्बैंड चाहिए कि जब हम बाहर से घर आए तो हमारे पीछे कुत्ते की तरह धूम हिलाता हिलाता चला आए। What an obedient husband! Shut up you! तो मैं सही हूँ? बुरा मत मानिएगा, भी नया कुत्ता हूँ ना, कुछ समझ नहीं आया। You are very handsome man. Oh yeah.
हमारा दूसरा शर्त यह है कि अगर उसका कोई करीबी दोस्त है तो उसको फौरन छोड़ दे। आओ निकल जा बाहर। तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए मेरे गरीब दोस्त? जाओ दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। आप बोलो सांता क्लॉज, आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ दूं। हमारा तीसरा शर्त ये है कि अगर उसका कोई ब्लड रिलेशन हाई मेन खूनी रिश्ता हो तो उसको भी छोड़ दे। हेलो कौन है बे? मर जा तू, डूब के मर जा मनुष्य, लंबी वाली बस के नीचे आके मर जा तू। कौन था? मेरे अब्बा थे। Your father? हाँ मार दिया ना बड़े, छोड़ो यार दबा कर। हाँ हमारा आखिरी शर्त ये है, अगर उसका शादी हुआ है तो क्या हमारी खातिर अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देगा? अपनी बीवी को डाइवोर्स देगा, उसे दो थप्पड़ देगा, उसको हक मार देगा, उसको तका मार के बाहर निकालेगा, आपके लिए हम सब कुछ छोड़ देगा सांता क्लॉज़ जी। अपनी बीवी को छोड़ देगा? छोड़ेगा और बहुत दूर छोड़ के आएगा जहाँ से वो वापस नहीं आ सके। बीवी क्या चीज है आप? अल्लाह मेरी बात सुनो, मुझे पहले शक था, बहुत शक था जवान, बहुत ही डर की आदमी हो तुम, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, जाओगी मैं इस घर में अपनी मम्मी। मेरी बात खुदा के लिए रुक जा, सुनोगी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं, नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी, जाओ। मेरी बात तो सुनो भाई। और भाइयों बहनों ये था प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जो पहले पायदान, पायदान के बच्चे मैं आखिरी पायदान पे आ गया, मेरी बीवी को पकड़ो। भाभी में इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ, भाभी शक करती थी कि जवाद ने शादी दफ्तर खोला हुआ कहीं दूसरी शादी ना कर ले, और एक दिन तो मौके में पकड़ा गया जवाद, मौके में पकड़ लिया, उधर मोहल्ले वालों को पता लग गया कि ये लोग चीटिंग करते हैं शादी दफ्तर के आड़ में, मोहल्ले वालों ने वो मकान से निकाल दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जवाद के ससुर ने भाभी को जहेज में यह बंगला दिया हुआ था, इसमें ऑफिस खोल लिया, लेकिन भाभी ने एक शर्त लगाई कि ऑफिस बदल दो। अब ये स्टेट एजेंसी का दफ्तर खोल रखा हम लोगों ने, मकानात के लेन देन का काम करते हैं, अल्लाह करे कोई ग्राहक आ जाए तो बस मजा आ जाए। और वो क्या बात, अल्लाह कितने पैसे हुए? 5,000 दे दे जान से मार देता हूँ। क्यों आए हो चाचा? तेरा बाप चाचा कमीने चीटर लोग, चीटिंग करते तुम लोग। क्या चीटिंग करते? तुम्हारे पीछे में मैंने 12 बस बदले। बस बदली? हाँ बस बदले मैंने, मैंने बस बदले, कोई कपड़े नहीं बदले। क्यों के बच्चे? असल में मसला हो गया, चीटिंग ऑफिस हमने यूं बदला कि भाभी में और जवाद में झगड़ा हो गया था। हैं? वो झगड़ा हुआ था? दुआ करो दुआ करो दुआ करो, अल्लाह करे तलाक हो जाए तो मैं चांस लड़ा हूँ। क्या बकवास कर रहा है यार, क्या बकवास की क्या बात है यार, तुमने मुझे बीवी दी है यार। क्यों क्या हुआ यार? अजीब है मेरी बीवी यार, अजीब अजीब फरमाइशें करती है मेरे से। क्या फरमाइशें कर दी? मुझसे कह रही है जाओ पान लेके आओ लाहौर से। लाहौर से पान? हाँ वो भी पैदल। अबे तो तुम उसे बताओ नहीं जहाज में चले जाओ। नहीं भैया जहाज में नहीं जाऊंगा, मुझे मरने से डर लगता है। अबे तो मरने से क्या डरना, मौत का एक दिन मुहैया है, जिस वक्त तुम्हारी मौत आनी होगी ना जहाँ भी होगी आ जाएगी। अच्छा मौत का एक वक्त होता है? हाँ। जब मेरा वक्त आएगा मैं मर जाऊंगा। हाँ। चलो मेरा वक्त नहीं आया, पायलट का आ गया तो यार ये बात पूछने की, मैं तो हराम मौत मर जाऊंगा भैया। हाँ। इसीलिए मैं जहाज पे नहीं बैठा, मैं बड़ा सियाणा हूँ। अच्छा मुझे बोलते ना वो कि बीवी मेरी जाओ लाहौर से पान लेके आओ। हाँ। मैं लाहौर से नहीं लाता, फिर मैं दौड़ के जाता हूँ हैदराबाद से ले आता हूँ। अच्छा हैदराबाद से पान लेके आता है, एक बात समझ में नहीं आई यार। क्या? जैसे मैं पान लेके घर पे आता हूँ ना तो मेरे घर पे सिगरेट के टोटे पड़े होते हैं। मेरे ख्याल ये बात कुछ समझ में नहीं आई, मेरे ख्याल में तूने डिफेंस में शादी कराई थी ना मेरी। हाँ। वो कमबख्त है मॉडर्न,
पीती होगी। हाँ यार मेरी शादी करा दे यार। हैं? शादी करा दे भाई। शादी करोगे? हाँ। किससे करोगे? चल तू लड़की से करा दे। अबे तो क्या लड़के से भी कोई शादी होती है क्या? हाँ होती है। नहीं नहीं और क्या? क्या कह रहे हो? मैंने खुद कराई है। लड़के से? हाँ। किसकी? मेरी बहन की। बहन की होती है ना? हाँ। तो और क्या? मेरी शादी करा दे यार। देखो भाई हमने ये कारोबार चेंज कर लिया, अब हम मकानात के लेन देन का कारोबार करते हैं। अगर आपके पास कोई मकान है तो किराए पे चढ़ा देंगे हम लोग। मकान? हाँ, हाँ। बहुत है। नहीं नहीं ओ, मैंने मकान ही तो बनाया, कपड़े कहाँ बनाए मैंने? अच्छा मेरे पास चार पांच मकान है। चार पांच? हर मकान में कमरे ही कमरे। कमरे कमरे? कमरे ही कमरे। कितने? एक 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 कमरे? हाँ उसमें खिड़कियां भी हैं। काहे के लिए? मेरे को झांकने की आदत है ना। ये तो मजाक की बात है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी फैमिली आई ना, आपका मकान किराए पे समझो। किराए पे दे देना। लड़कियां तो भेज दियो। मान लो लड़के आएंगे, मैं उनसे किराया भी नहीं लूंगा, मैं किराया खुद दूंगा। अच्छा ठीक है भाई। हेलो। चलो कह रहो ग्राहक हमारी। किसने क्या आपका बटवा छीना? नहीं नहीं बात तो अरे तुम तो वही हो जिनका पहले शादी दफ्तर था। यू फ्रॉड, मेरे पैसों का क्या होगा? कौन से पैसे? अच्छा इस पे फीस दी थी। हाँ। शादी के लिए? हाँ। तो करा दो। नहीं यार हमने काम चेंज कर लिया है, असल में हमने अब हम मकानात के लेन देन का कारोबार करते हैं। आपने जो फीस दी थी ना। हाँ। वो अगर आपको कोई मकान चाहिए इसमें शिफ्ट कर देंगे। क्यों भाई? ओहो आपकी बातों में तो मैं भूल गई। क्या? वो मेरी बहन बाहर खड़ी है, आप उसे अंदर बुला लो। बहन खड़ी है आपकी बात? हाँ। अरे अंदर बुलाया, बाहर सूरज निकला हुआ भाई, गर्मी पड़ रही है। अरे जाए। की बात कर रहा। आ जाए। कौन है बहन? बहन है। हेलो हेलो। ये इसे मैं जानती है, वही है, इसे मैं जानती हूँ। अरे क्या जानती है, गलत चुटिया बांध के आ गई। तुम्हारे घर में शीशा यूं लगा हुआ है क्या? हमारी मर्जी। हमारी मर्जी? अबे तू अंदर जा। मैं? अंदर जा, लड़कियां खड़ी, अंदर जा। क्यों? लड़कियों के सामने नंगा मुंह लेके आ गया। ए सुनो तुम पागल हो? नहीं हूं तो कर दोगी? आए कितनी प्यारी है, कमकट मारिया। आए आए अच्छी है भाई, अच्छी है। आपकी तो बच्ची है। हाँ। मैंने सुना ही नहीं। देखिए हमारी ग्राहक ने तंग नहीं करना है। आए हाय ओए शादी कर ले, अल्लाह इसका अजर देगा। और अगर ना करूँ तो मैं कहीं और ट्राई करूंगा। क्यों? तू कर ले शादी। क्यों? मजाक में कर ले, तेरा मजाक हो जाएगा, मेरा घर बच जाएगा। क्या बोलो? और क्या, मजाक मजाक में शादी होगी, मजाक मजाक में बच्चे हो जाएंगे। और क्या, बच्चे गली में निकलेंगे, लोग कहेंगे ये क्या मजाक है भाई। कैसा मजा आएगा ना? ओहो ये क्या मजाक है। अरे बीवी बोली। ये क्या मजाक है? हाँ छोटी बीवी बोली। अबे ओबे ओ, ये क्या मजाक है? अरे बड़ा साला बोला। तो क्या? ए, 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 तो अब आज 2.50 का नोट है? हाँ? मेहमान नहीं है। ये क्या बात हुई? मेहमानी एक दे दे। क्यों? मजाक में दे दे। मजाक में? हाँ तेरा मजाक हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। बस आज मजाक मजाक खेलते, बड़ा मजा आएगा। मैं जादू दिखाऊंगा। तुम्हें जादू आता है? हाँ मैंने ना टोपी में से कबूतर निकाला था, वो अब जवान हो गया है। हाँ। अच्छा? तुम्हारे पास 2.50 के नोट है ना? हाँ, हाँ। निकालो निकालो, अभी जादू दिखाऊंगा तुम लोगों। जादू? वो इतना प्यारा करता हूँ। एक मुझे दो। ये लो। हाँ ये कितने हो गए? 100। तुमने मुझे कितने दिए? 50। कितने हो गए? 150। ये लो। कितने हो गए? 200। 100 तुम्हारे 100 मेरे। भाई ये कैसा हिसाब है? मैं ऐसे ही हिसाब करता हूँ जो समझ में ना आए। मैं कहती हूँ मेरे पैसे वापस दो। इसके पैसे वापस दो? क्यों? ऐसी मजाक में दे दे यार। नहीं यार अब ज्यादा मजाक भी अच्छा नहीं होता यार। मैं तो उतना ही मजाक करता हूँ जितना बर्दाश्त हो भैया। शादी कर ले। शादी? क्या शादी कर? यार मुझे ले दे यार ये। लड़कियों पे इतना जुल्म करते हो, बेचारियां कितनी मजलूम होती हैं लड़कियां। हाँ, मजलूम होती है लड़कियां। अबे लड़कियां मजलूम नहीं होते, लड़के मजलूम होते हैं। नहीं नहीं यार लड़कियां मजलूम। अबे लड़के मजलूम होते हैं बेचारे, स्टाफ पे खड़ा रहता है 2-2 घंटे तक भूखे प्यासे है? और क्या, पेट अंदर जा रही है, पतलून नीचे आ रही, फिर भी खड़ा है, अब आएगी अब आएगी अब आएगी। वो नहीं आती, पुलिस वाले आते, कैसे खड़ा है? हम तो बहन के लिए खड़ा है। ये है मजलूमियत। अच्छा और क्या, एक एक लड़के 4-4 शादी करते हैं और बाद में पिटते भी हैं।
इसमें क्या बात हुई? तो मजलूम है बेचारे, किसी लड़की को सुना है एक लड़की ने चार शादी की हो, फिर लड़के मजलूम है भाई। देखिए असल में ये हमारी ग्राहक है, तंग न ग्राहक है। हम तीनों मिलके लसबेला के पुल पे जुग्गी बनाएंगे, सैलाब आएगा, कितना मजा आएगा, सैलाब आएगा, सैलाब में रंग बिरंगी मच्छियां होंगी, ये मगरमच्छ भी होगा और मैं ये केचुआ भी होगा जो सैलाब के माहौल को गंदा करेगा। और मुझे तो तैरना भी नहीं आता, इन्हीं को पकड़ूंगा। बेगैरत, लड़कियों का सहारा लेगा? सहारा लेते हैं, बकवास नहीं करो। हाँ शादी करा दे यार। अबे नहीं भाई, शादी वादी का कोई सिलसिला नहीं है, हमने मकानात के लेन देन का काम करते ना। मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ। भाई इनको बताओ, बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ। बहुत बड़े बाप? हाँ। कितने बड़े? 110 साल। 110 साल? हाँ, मेरे पास सोने की बिस्किट है। सोने की बिस्कुट? तुझे भी दूंगा। मुझे देगा? सोने का बिस्कुट कैसे होते हैं? खा के सोता हूँ ना मैं तो, खा के सोते तो सोने का बिस्किट। इधर सरको उधर सरको, मेरे पहलू से ना सरको। शेर बोला मैंने, इधर सरको उधर सरको, मेरे पहलू से ना सरको, अगर सरको तो यूं सरको, कलम कर दो इसके सर को। शेर सुनाया मैंने, बात सुन ले। मैं जा रहा हूँ, मेरी बीवी बहुत मोटी है, मैं उसको यहाँ भेज देता हूँ, ये दोनों वहां भेज दे। कैसे हो सकता भाई? लो, जब 100 के नोट का खुला हो सकता तो औरतों का खुला नहीं हो सकता। और क्या, 100 का नोट दो, 2 50-50 का देते हैं ना। मेरी बीवी तो इतनी मोटी है, उसको लाऊंगा 5 मिलेंगी ऐसी। कितना स्याणा हो, तो ये 3 उधार कर लो। अब तेरे पे इतबार है यार। बकवास कर रहा हूँ यार, ऐसी बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। एक शेर अर्ज किया है बताओ कि भाई, मजा बरसात का लेना है। हाँ फिर? मजा बरसात का लेना है तो गुसलखाने में जा बैठो। मैं क्या बात कर रहा हूँ, शेर है? मजा बरसात का लेना है तो गुसलखाने में जा बैठो, वो तो बरसों में कभी बरसेंगे, यहाँ तो नल खुलते ही बरस पड़ती है। कैसा शेर है? नहीं नहीं अच्छे। एक अच्छा शेर और सुनाऊ? अच्छा सुना। पाकिस्तान बनाए एटम बम। क्या बात की? पाकिस्तान बना एटम बम के दुनिया हिल जाए। पहली दफा संजीदा बात की इसने कि पाकिस्तान बनाए एटम बम के दुनिया हिल जाए। पाकिस्तान बनाए एटम बम के दुनिया हिल जाए, या अल्लाह ये बेगैरत मर जाए तो ये दोनों मुझे मिल जाए। तुम लोग मुझे दलील कराने आई हो पितकनियो? ये क्या पितकनी पितकनी कर रहे हो? अरे क्या चक्कर है, क्या काम है, क्यों आए हो तुम लोग? जी वो हमें मकान, हमें मकान, मकान। शट अप! एक मिनट ठहरे, तबला ले आऊं फिर बात करें। नहीं, दरअसल बात ये है कि हम दोनों बहनें और हमें एक कमरे का मकान चाहिए, वो भी किराए पर। तो मिल जाएगा मकान चाहिए ना? मिल जाएगा। तो मकान के सिलसिले में आपसे बात करेंगे, आपके मालिक से? अब मालिक भी आ जाएंगे, थोड़ी देर लगेगी मालिक को आने को। क्या ख्याल है जरा? मेरा ख्याल है कि जब तक मालिक नहीं आते हम यहाँ बैठ के मैगजीन देख लेते हैं सारा। जब आप सारा मैगजीन देख ले, थोड़ा सा मुझे भी दिखा दीजिए, मैंने फोटोएं देखनी है। मैंने मैगजीन को नहीं सारा कहा, इनका नाम है सारा, मेरा नाम है जारा। मुझे कहते हैं सलीम कुमारा। दूर फिटे मु तुम्हारा। मुझे लगता है मेरा आपके साथ हो जाएगा गुजारा। और सुनो, बच्चे पसंद है मुझे बारा, और हर बच्चा ऐसा जैसा अपना पहलवान था झारा। क्या ख्याल है तुम्हारा? तो तुरु तुरु तारा। ओहो, कितना बोलते हैं आप? ओहो, कितना सुनती हैं आप? जाओ अपना काम करो बेवकूफ। काम करता रहूं, काम और क्या करूं? मैं कहती हूं अपना काम करो। अरे हमें काम करने की क्या जरूरत है? क्यों, हम कोई मजबूरी नौकरी कर रहे हैं इधर? हम तो शौकिया नौकरी कर रहे हैं, वरना हमारे तो अपने जहाज चलते। जहाज? हाँ, ये पीआईए किसकी कंपनी है? किसकी है? हमारी अपनी, हमारे बाप की। पीआईए किसके नाम पे नाम रखा है? किसके नाम पे? हमारे बाप के नाम पे। क्या नाम है? परवेज इलाही अब्बासी। ओ,
आपने सुना होगा पिछले दिन उड़ते हुए जहाज का ढक्कन उड़ गया था। हमारी जहाज था, जिस दिन जहाज का ढक्कन उड़ा दूसरे दिन मैंने जहाज ही भेज दिया। फिर तो आपको बहुत पैसे मिले होंगे। भाई बहुत पैसे मिले थे, बहुत, थोड़े से कम थे। मैंने अपने पास से मिला के जूता खरीद लिया। जूता? चीजें खरीदते बेचते रहते ना हम लोग। अभी परसों डिफेंस वाली कोटी बेची है। क्यों भाई, मोजा भी तो होना चाहिए था ना। मोजा? अब मैं सोच रहा हूँ अपनी कार भी बेच दूं। क्यों भाई, ये रुमाल दूसरा बदलवाना है। चीजें खरीदते बेचते रहते, आपको मकान चाहिए जी। मिल जाएगा, अभी छेड़ छाप आ जाए तो मिल जाएगा। मिस्टर जवाब कब आएंगे? अब आने वाले जवाब साहब। साहब मेरी बातें कैसी लगी आपको? जी बहुत जबरदस्त। जवाब। हेलो। तो वही लोग भाई, ये तो पिछले दफ्तर में भी आते थे। क्या आप लोग कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रही है? पिछले दफ्तर में भी आती थी ना शादी वाला। हाँ हाँ भाई, क्या हुआ, क्या मसला है इनका? ये पार्टी मकान के। हाँ बोले। ये हमें एक कमरे का मकान चाहिए किराए पर। एक कमरे का मकान, ठीक है, एक कमरे का मकान हो जाएगा। एक कमरे में आप लोगों का गुजारा हो जाएगा भाई? तुम्हें इससे क्या, हम तीनों गुजारा कर लेंगे। अच्छा वो मैंने कोई गलत कह दिया, मुझे समझाओ, मुझे डांटो। बदतमीज, सेठ को डांटता। हाँ तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि अपना क्या नाम है, मकान आपको चाहिए किराए में। नौबत तुम्हें, काम करो, इधर आओ। तुम ये फाइल उठाए, फाइल लेके जाओ, ये फाइल लेके जाओ, फाइल और खत्म। ला जल्दी ना, फाइल लेके जाओ, खत्म, खत लेके बाहर जाओ। इसको लेटर बॉक्स में डालो, फिर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो, फिर निकालो, इसमें कुछ नहीं, फिर से फाड़ देना। जाओ जल्दी जाओ, काम करा करो, काम करो, जल्दी जाओ। तो हमें मकान मिल जाएगा ना? जनाब क्यों नहीं मिलेगा? आपको मकान नहीं मिलेगा तो मैं लोगों के मकान रहने दूंगा? आपके लिए मकान ढूंढूंगा, तलाश करूंगा, तलाश करने से नहीं मिला फिर ढूंढूंगा। जी हाँ, अगर ढूंढने से भी ना मिला तो बनवा देंगे ये आपकी खातिर। हाँ भाई मनुष, मेरी बीवी है। अच्छा, बेगम आपकी नजर में कोई एक कमरे का मकान है? क्यों, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ क्या? आ गए तो पूछ लिया ना, कम्बख्त मछली मुंह। मैं कहती हूँ चुपचाप अपना काम किए जाओ तुम। ओके चुपचाप। आप ही ने तो कहा चुपचाप, आपने कहा मैं तो चुपचाप, मैं तो भूल भी नहीं गया। तो हमें मकान मिल जाएगा ना? इस तरह क्या बन बन के बोल रहे हो बड़े भाई के सामने, बदतमीज। और क्या बड़ा भाई, दुपट्टे कहाँ है तुम लोगों के? चल जेब में से दुपट्टा निकालो, दुपट्टा। बदतमीज हो, तुमने दुपट्टे भी नहीं है भाइयों के सामने, देख रही है भाभी खड़ी है उनके सामने, इधर खड़ी हो। भाभी? हाँ। देखिए प्लीज आप झगड़ा मत करें, आप हमारा फोन नंबर रख लें, मकान मिले तो जा कर दीजिएगा। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये फोन नंबर आप मुझे दीजिए। आप इन्हें दे दीजिए फोन नंबर, जैसे ही मकान मिलेगा, जैसे ही मकान मिलेगा ये मुझे इतला देंगे। मैं इन्हें इतला दूंगा, मैं आपको फोन कर दूंगी, मैं आपको फोन कर दूंगा, मैं फोन करूंगी। चलो तुम कर देना, मैं सुन लूंगा। मैं भी तो कुछ करूं, दुनिया में आया हूं खाली फिरूं। अबे आ गया हूं तो कोई काम करा लो मुझसे। क्यों जी? ठीक है चलो, मैंने घर तक छोड़ दिया, कोई काम तो करूं। ठीक है, नहीं आ जाइए। अच्छा ठीक है, गुड बाय। बाय बाय। बात सुनो, हेलो, ये सर में से कोई चीज निकलना शुरू हो गई, बड़ी प्यारी चुटिया है। तुम्हारी ये जरूरत, तुमने फिर मेरे कारोबार में दखल दिया। तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने कोई कारोबार किया है? खबरदार मेरे खानदान तक पहुंची दो, मैं नहीं पहुंच पाया उन तक आज तक, पता नहीं कहां है वो सब लोग। मैं कहती हूँ जवाब, कमीज से बात किया करो मेरे साथ। कमीज से बात करो, तू मेरी फूफो है? हो, शादी से पहले तो बड़ी ए ए ए करके बोलते थे, अब कैसे बोलते हो तुम? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, शादी से पहले कुछ, शादी के बाद कुछ और शय निकलते हो। अरे चुप करो, मरा दिया होता है, हम मर्द तो जन्नत के परिंदे हैं। परिंदे? और तुम्हें क्या पता मर्दों की बातें करती हो? अरे शादी के बाद तो मर्द फंसते हैं, औरतें तो आजाद हो जाती है कमबख्त हैं। कैसे फंसते हैं? कैसे फंसते हैं, देखो औरतों की आजादी किस तरह आराम से बैठी और मर्दों ने बच्चों को गोदों में उठाया हुआ, देख लो अपनी आंखों से। सुन लिया, सुन लिया, फिर भी बच्चा लेके बैठा, ये नहीं वापस कर रही है। ऐसे लोगों ने मर्दों की नाक कटवाई, पर नहीं कर रहे बच्चे, यूं ही लेके बैठे हैं। अब थोड़ी देर के लिए ही वापस दे दो, नहीं उनको पता है घर भी जाना है। अरे रहने दो, सारी औरतें जो है वो बावफा होती है और मर्द सारे बेवफा होते हैं।
मर्द को कुछ मत कहना, तो मुंह के ऊपर दो चमाट पड़ेंगे तेरे। देखो जवाब, मर्द बेवफा होते हैं। अरे औरतें बेवफा होती हैं। कैसे कैसे? मैं गया था परसों कैपरी में फिल्म देखने, फिल्म शुरू हुई अचानक बीच में स्लाइड आ गई कि वो औरत जो अपने मियाँ से छुप के किसी और के साथ फिल्म देखने आई है बाहर आ जाए, उनके मियाँ गेट पे आ गए। 10 मिनट में सारी औरतें बाहर निकल गई। मैं वही था, वही बैठा हुआ देखा मैंने। तुम किसके साथ गए थे फिल्म देखने? मैं तो अपना क्या नाम है वो चिप्स वाले के साथ गया था। और क्या, चिप्स वाला ही होता, चिप्स वाली नहीं होती, समझ लेना ये बात भी। अच्छा बस रहने दो रहने दो। देखिए तुम्हारी वफादारी भी, शादी से पहले मेरे डैडी से कहा था कि शादी के बाद तुम्हारी बेटी को 1 अदद प्लॉट दूंगा। हाँ। अरे कैसा प्लॉट दिया, सारा पानी निकल आया उसमें से। मैंने तुम्हारे बाप को पहले ही कहा था कि समंदर में प्लॉट है, कहने लगे दे दो मैं खुशक करा लूंगा। अब खुशक करा लो समंदर जाके। और हाँ, वो शादी वाली रात तुमने मुझे हीरे की अंगूठी दी थी, हीरा भी नकली निकला। तो तुम्हारे घर वालों ने नहीं कहा था घूंघट में चांद है, चांद निकला? जैसा चांद निकला वैसा हीरा निकला। चांद तो देखो जापानी चांद कंबक। सब जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम्हें मुझसे इतनी सी भी मोहब्बत नहीं है बस। अरे चला मोहब्बत नहीं है तुम्हें, नहीं है मुझसे मोहब्बत, तुम्हें नहीं है। 1 साल हो गया शादी को, आज तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो तुमने पूछा ही नहीं, प्यार से भी अच्छा सा नाम रख दो। प्यार से नाम रख दू? हाँ। मैं रखू? हाँ। मोती। गलत हो गया। मानो, चलो मत मानो, क्या चीता रख दूं तुम्हारा नाम? क्यों नहीं बोलती, तुम्हें तो प्यार से नाम रखना भी नहीं आता। बस जाओ, समझ गई तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, किसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? तुम्हें नहीं है। कैसे, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, सारी लड़कियों को लव लेटर लिखते हो, बस स्टॉपों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हो, कॉलेजों के इर्द गिर्द घूमते हो, लव लेटर लिखते हो, सब पता है मुझे। कम्बक नेस्ती मुंह तुम्हें क्या मतलब, मैं लड़कियों को देखता हूँ? तो तुम लड़कियां नहीं देखती लड़कों को? नहीं। अच्छा ले, नहीं तुम लोग भी बड़े देखती हो। कैसे? मैं कैसे, सोबर तरीके से धूप का चश्मा लगा गई। हम जो लड़के हैं ना बेचारे, वो छिचोरेपन में मारे जाते हैं देखते के साथ ही। हाय, तुम लड़कियां हमसे ज्यादा देखती हो लेकिन तरीके से, समझ गई ना? बस नहीं बोलती। मैंने आज तक किसी को लव लेटर नहीं लिखा। लिखा है? नो नो नेवर। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुम्हें एक बार लव लेटर लिखा है, सिर्फ तुम्हें। मुझे? और वो भी 1 हफ्ते पहले जब तुम्हारी मेरी बातचीत बंद हो गई थी। वो मुझे लिखा है? और क्या? क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं मुझे क्या पता क्या लिखा है, मेरी हैंड राइटिंग गंदी है। कोई बात नहीं, सुना दो। मुंह पे सुना दूं? हाँ। अच्छा। लिखा है? हाँ। क्यों लिखा है? मैंने लिखा है। हाँ? जान से प्यारी हाय गाय हमारी। देखो जवाब, इज्जे इज्जे की गलती हो गई। जान से प्यारी जान हमारी, कैंसर की बीमारी माँ तुम्हारी, नहीं नहीं माँ माँ तुम्हारी, सास हमारी, रब का शुक्र अदा कर भाई जिनने तेरी साज बनाई। वाह। दिल चाहता है डियर, हाँ, तुम्हें जहाज में बिठाकर आसमानों पे उड़ू और कोई मुनासिब जगह देखकर तुम्हें धक्का दे दूं। हाँ धक्का दूं और खुद पैराशूट बांध के नीचे कूदूं और तुम्हें जमीन पे गिरने से पहले कैच कर लूं। अल्लाह ने बचाया। और कभी दिल चाहता है कि तुम्हारा गला पकड़कर सोने के सेट का नाप ले लूं। और कभी दिल चाहता है कि तुम्हें दुनिया दिखाऊं। और कभी दिल करता है कि तुम्हारे पैरों में बैठकर अपनी जन्नत ढूंढूं। मेरा मुंह से गलत निकल गया, मेरा मतलब है तुम्हें मैं फिर मैं मतलब तुम्हारे से शादी करूं, तुम्हें तलाक दूं, फिर तुम्हें तलाक करूं, फिर तुम्हें शादी करूं, फिर पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, मुझे पता था तुम्हें मुझसे
बहुत मोहब्बत है, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। yes. हालांकि मुझे पता था आप बहुत ही गरीब आदमी हो। और मैं तुम्हारे घर आटा मांगने आया था। क्यों, तुम गरीब आदमी नहीं थे? तो तू किसकी बुश की बेटी है? मैं जैसे भी हूँ जिस बाप की भी बेटी हूँ, ये जो घर है ना, मेरे बाप ने मुझे जहेज में दिया है, जिसमें ये कमाल खाना ऑफिस खोल रखा है। ऑफिस भी तुमने खुलवाया ये प्रॉपर्टी का? मेरा तो अच्छा खासा शादी का दफ्तर चल रहा था, लाखों रुपए कमा रहा था मैं, तुमने वो दफ्तर बिकवा दिया, अपने घर में ले आई और घर में ही दफ्तर खुलवा दिया, मेरा कसूर है इसमें? पर जैसा भी है ये मेरे लिए महल है, महल। महल के अंदर मुझे गुलाम मत समझो, समझ गई ना, मैं भी यहाँ इज्जत से रहूंगा। देखो जवाब, अपनी जुबान पर लगाम दो, हाँ मौत हो गई है। लगाम की बच्ची लगाम की बातें करती है? नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं बोलूंगी। जाओ जा, नहीं बोलो, नहीं बोलूंगी, नहीं बोल, जा रही हूं मैं। जा, जाती है, मैं मालूम है तो जाएगी बड़ी, यही रहेगी मनुष, कभी भी नहीं जाएगी। तो चली जाए तो और क्या बात है, और क्या चाहिए मुझे जिंदगी में, चली जाए तू कमबख्त, मैं तो छांट के रखी हुई है जहां शादी करनी है मैंने। ओ बेगम कौन है? ओ भाई एक कप चाय बना के भेजो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मुझे तो तुम्हारी आवाज आ रही है। ठीक है तो फिर तुम एक कप चाय का बनाकर भेज दो। बदतमीज गुस्ताख शोर से चाय बनवाती है, बदतमीज, कपड़े धोता हूँ वो कम नहीं है क्या? मैं कहती हूँ जरा होश में रहकर बात करो। होश की बच्ची मैं तुझे टून लग रहा हूँ? तुम्हें शायद नहीं पता मैं सात भाइयों की अकेली बहन हूँ। मैं भी 14 बहनों का अकेला भाई हूँ। अरे चल चल, मेरा एक भी भाई आगे तो छुट्टी कर देगा तेरी। अरे जा जा, तेरे जैसे बड़े भाई देगे तेरे। कौन है आप? मैं हूँ भाई। ओ बीवी का भाई, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। आया था तेरा भाई, टक्के देके निकाला तेरे भाई को, बदमाश बनते हैं अपनी तरफ से। अरे चलो, मैं कहती हूँ किस चीज की अकड़ है तुम में? अकड़ तुम्हारे में है, मेरे में नहीं है। अकड़ की बातें करती है, तुम फिर आ गए, निकल जाओ। काहे की अकड़ है? कौन अकड़? अरे काहे की अकड़ है तुम्हारे में? कौन अकड़? तुम अकड़ रहे हो इसलिए कि तुम सात भाई गुंडागर्दी करना चाहते हो? कौन सा है? क्यों गुंडागर्दी कर रहे तुम? काहे की गुंडागर्दी कर रहे? ये क्या है, ये क्या है? ओ खुला गुलाब की तरह मेरा बदन निखर निखर गई, समर समर गई, बना के आईना। क्यों मैं बदमाशी करता है? कौन बदमाशी कर रहा है? तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम इसलिए सात भाई हो, मेरी बीवी के इसलिए बदमाशी करते हो? किसके बीवी का सात भाई? ये क्या है, ये क्या हुआ, ये मजदूर काम छोड़ के चले गए क्या? जवाब दो, ये क्या हुआ, ये तुमने जुओं के लिए ग्राउंड बनाया क्या है ये? जवाब क्यों नहीं देते, जवाब दो, वेस्ट इंडीज की बंदरिया, जवाब दो। क्या जवाब दूं? मैं आपके पास एक काम करने चले आया था। क्या काम है बताओ, मुदस्सर नजर काम बताओ। वो मुझे आपके मकान चाहिए। हा? मकान, तो हम मकान लेने हैं? यस। यार माफ करना, मैं समझा मेरी बीवी के, मैंने मतलब मेरे साले, आई एम सॉरी। दोस्त जब कभी भी बाल कटवाओ फेंकना मत, इसमें से किसी भी बच्चे का स्वेटर बुना जा सकता है। तुम्हारे सर में से तो ऊन निकलता है, तुम तो करोड़पति आदमी। तुम मकान लेने आयो? yes. या किराए पे लेने आयो? किराए पे मकान। ओह यू वांट टू मकान? यस यस। ओके, देखो बात ऐसी है भाईजान कि मकान आपको, पहले ये बताइए आप शादीशुदा है? नहीं। मतलब शादी नहीं हुई अब तक? शादी नहीं की? अब नहीं की तो कब करेगा? अब सेहरा तेरा बाप पकड़ के खड़ा होगा या कील से ठुकवाएगा, चिपकवाएगा, एल्फी लगवाएगा, क्या करेगा तू? क्या करूं, मैं कहीं भी जाता हूं रिश्ते के लिए तो लोग मुझसे पूछते मकान है। हाँ। और मकान के लिए जाता हूं। हाँ। तो लोग मुझसे पूछते कि बीवी है। हाँ। प्लीज बताइए मैं क्या करूं? आप क्या करें, आप पहले शादी करें। अच्छा, इसलिए कि छड़े छाटकों को मकान नहीं देता। अच्छा, मकान इसलिए नहीं देते छड़े छाटकों को, देखो आजकल दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, किडनैपिंग, ये डाके वगैरह है, तो लोग डरते हैं अकेले आदमी को मकान देते हुए। अब चाहिए फैमिली, और फैमिली के लिए जरूरी है कि आप शादी करें। अब छड़े छाट को मकान मिलता नहीं है। ये बराबर वाले दफ्तर में एक छड़ा छाट चक्कर लगा लगा के पागल हो गया, इतने चक्कर लगाए कि बराबर वाले घर में उसका चक्कर चल गया।
अब वो वहां कर दम आ जाएगा मगर। हाँ ओहो, ये तो बहुत खुशी की बात है, है? इसका मतलब ये उनके घर में कोई और भी लड़की होगी ना। हाँ हाँ, उनके घर में एक लड़की और है, तुम्हारी है वो भी है? हाँ। उसकी उम्र कितनी है? उसकी 45 साल। आप ऐसा कीजिएगा, इससे कम उम्र की लड़की प्लीज मेरे लिए। है? कम उम्र की, कम उम्र, सही बोलो क्या? कम उम्र, कम उम्र, यस। उनन्ना है, छोटा बच्चा है, झूले में पड़ा हुआ कम्बख्त, पाकिस्तान से भी 50 साल बड़ा है। तू निकल बाहर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, शादी करके आऊंगा। शादी करके आएंगे तो आपको मकान मिलेगा, यहाँ पे आने जाने में एहतियात करते हैं आप। अच्छा चल जाए। जवाब डार्लिंग। जी जानू। जरा अंदर तो आना प्लीज। क्या हुआ? एक ग्लास पानी तो पिला दो। ओहो, लगता है आप पे फालिज का हमला हो गया है। क्या पिएंगी बेगम? इसको बताओ तुम्हारा मियां भी सो गया है। ओह, दूल्हा भाई भी आए। अबे क्या चाबी भर के लाइए। कौन हो? क्या बोल रहा है? पूछ रहा कौन है? कौन नहीं है, पुल का है। पुल का क्या पिघल गई है? कैसे आए हो? पैदल आया है। पहले तो तुम समंदरों के रास्ते आते थे। ये आपके भाई हैं? भाई तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा माँ होगा, पूरा खानदान होगा। क्यों? बकवास कर रहा है, पत्थर मार के सर फट जाएगा। मगर पत्थर पकड़ेगा कैसे? चलो पकड़ भी लिया तो मारेगा कैसे टुंटे हाथ से? यूं अपने सर में लगेगा। मेरा मतलब है, नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम पूछ रहा है? हाँ? हमारा नाम है करीम हैंडसम। हाँ? करीम हैंडसम। हैंड कहाँ है? हैंड तो बैंड है। आप अपना नाम रखो करीम बैंडसम। आप करीम और ये मिसिस क्रीम। वाह भाई, क्या जोड़ी है, ये क्रीम ये मिसिस क्रीम। अगर आप कहें तो मैं अपना नाम तिब्बत टेलकम पाउडर रख लूं। इजाजत है। आप किस सिलसिले में आए? हम? हाँ। मकान किस सिलसिले में आया? दो कमरे का मकान सही किराए पर। अच्छा, कमरे में रहोगे? दीवारें छोड़ दी, छिपकली है तो दीवार। आपको कोस कर रहा। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? हम? हाँ। हम कॉलिन बुनता है। कॉलिन बुनता है। बुनता है या पुतरता है? आप मेरे साथ जरा सदर चलोगे घूमने के लिए? क्यों चलेगा? आपका घूमना हो जाएगा, मेरी पैदा हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? तुम्हारा सब किधर है? अंदर है। किस जुरूम में? जुरूम में नहीं, वो जी ऐसी घर है ना। हाँ, करीब है। आप ये कलम दवात कौन रख के गया है? कौन है, क्यों खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कमबख्त मुझे किस वजह से लान दे रहा भाई? देने का क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या मतलब देने का क्या जरूरत है? क्या बकवास कर रहा है भाई? कौन है ये? पार्टी है, पार्टी पार्टी पार्टी। जोर जोर से बोलो, दो जोर से बोलो। पार्टी कौन सी पार्टी है भाई? आप मकान लेने का? मकान लेना है। मुकुल लेना है? हाँ लेना है। मुकुल लेना है? मकान लेना है। मुकुल लेना है? तुम्हारा बाप भी नहीं बोल सकता है। आप चल सकते हैं? हाँ चल सकते हैं। चल के दिखाओ। चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा, सूरज की शुआओं से चलता, चल पड़ा वो। जान के लिए चाय वाय लेके आओ, फटाफट जल्दी करो। नहीं नहीं, चाय आप लेकर आओ, पार्टी मेरी है भाई। बदतमीज आदमी, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारा हुलिया बात करने वाला। चलो जाओ, जाओ चाय लेके आओ। वो चाय वाला आपके नाम पे चाय नहीं देता, गालियां देता। तुम जाओ उसे पटाओ, चाय लेके आओ। एक तरीका है मेरे पास। हाँ, हाँ, हाँ। वो आपको बुरा भला कहेगा, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, दे देना। वो कहेगा तेरा साहब बहुत घटिया, मैं कहूँ घटिया हो तो ढीठ है। हाँ, चाय लानी है ना। हाँ, जी, जी। वो कहेगा तेरा साहब जलील है, वो जलील हो तो कमीना। चाय लानी है ना, चाय।
भाई वो मुझे गालियां दे देने देना, दोपहर का खाना भी तय कर लेना, चलो जाओ चलेगा। सही कहता है। सारे में सब बुरा है, क्या बात कर रहा है? भाई बीवी को इशारे पे बुला रहा है। भाई मैंने तो आपको इशारा किया, अब आपकी बीवी आ गई तो आपका अपना घर खराब है ना, मेरा क्या कसूर है? क्या बात कर रहा है? क्या जो तुम सुन रहा है, क्या चाहिए आप ये बताइए, इसलिए बुलाया आपको? हमें दो कमरे का मकान चाहिए है सेपरेट। क्या चाहिए? मकान सेपरेट चाहिए है। सेपरेट मतलब बजरी सीमेंट ईटे अलग अलग दे दें आपको? कौन सा सेपरेट चाहिए? अलग 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 अलग। ये कौन है आपकी? ये हमारा बीवी है। अच्छा आपकी वाइफ है? नहीं नहीं शादी हुआ, थोड़ा शर्माता है। अच्छा अच्छा वेरी गुड, शर्माती है। चल जी कोई बात नहीं, शर्माना चाहिए औरतों को। तो आप ये कह रहा था कि आप बेफिक्र, आप भाभी बताइए आपकी कोई डिमांड है मकान लेने में? जब हम बता रहा है तो इससे पूछने का क्या जरूरत है? भैया औरतें घर में ज्यादा ये रहेंगी, कितनी खिड़कियां हो, कितने दरवाजे हो, शाम को कहां कहां खड़ी होंगी, इनकी जरूरत का भी तो ध्यान रखना है, इनको पता करना ज्यादा। ठीक है तो अपना क्या नाम है? जवाब डार्लिंग जी, ऐसा करो कि मर्द से तुम बात कर लो और खातून को मेरे पास अंदर भेज दो। ठीक है आप भाभी को अंदर भेज दे। चलो भाभी वो चाय पी ले और आप मेरे साथ चाय पी ले आ जाइए। तुम्हारा बाप भी नहीं पकड़ा सकता। इसे जेब में डालो, चाय जेब में डालो। आप पियेंगे नहीं, आपकी जेब में चाय डाली जाएगी। और अभी आप बोले तो दो चाय मंगा के आपके कान में डलवा दूंगा। आंटी बाड़ी कुछ नहीं, आप हमारे खुलूस को ठुकरा रहे हैं। खुलूस है? और नहीं तो किया है। खुलूस है, खुलूस है। अभी टक्कर मार के सर फोड़ देगा। अच्छा भाई बहुत चाहिए भाई, ये कील एहतियात से रखना, कभी कोई तस्वीर वस्वीर ठोकनी हो काम आई। एक काम करो इन्हें मकान दिखाओ, उसका वो कीटर है ना, उसको चाहिए फैमिली। अच्छा, तो ये दोनों फैमिली इनका मकान देगा। चलो शाबाश ठीक है, आ जाइए। तब पोकुल नहीं है, हमारा बीवी किधर है? आपका बीवी हमारे पास है, वो चाय पी रही है, एक मिनट में भिजवाता हूँ मैं बीवी। आप बेफिक्र नहीं करें, आप अभी निकलोगे नहीं, मैं बुला के ला रहा हूँ भाभी को। आप जाए बेगा भाई, जरा उनकी बीवी को भेजे, मकान दिखाने ले जाना है। वो असल में आप तो लगता है जहनी तौर पे तैयार होके आई हैं। बात ये थी कि ये मकान मैंने आपकी वजह से दिलाया है, क्योंकि जिस मकान में आप जा रही हैं इसके सारे रास्ते जानता हूं मैं। इस मुलाकात में एक बात की कमी है, आपने अपना हसीन चेहरा नहीं दिखाया। आप मैं आंखें बंद करता हूं, आप चांद पे से नकाब हटा दे। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। मुझे पहले ही पता था तुम नियत के बहुत बुरे आदमी हो, इसीलिए मैंने ये ड्रामा किया है। इसीलिए मैं बुरखे के खिलाफ हूँ, इसमें से कभी कभी अपना सामान निकल आता है। ये क्या बेहूदा बातें कर रहे थे तुम? किससे बात की? मैंने कोई बात नहीं की। मेरे साथ अभी क्या बातें कर रहे थे तुम? मैं उनकी बीवी को आजमा रहा था कि अल्लाह ना करे वो इस टाइप की तो नहीं है, हमारी तरफ से मकान मिल रहा, खुदा ना करता वहां जाके कोई बात हो गई तो हमारी नाक कटेगी। मैं तो आजमा रहा था। आज मैंने तुम्हें दूसरी मर्तबा चेक किया जवाब, तुम बहुत ही डर की आदमी हो, तुम नहीं सुधर सकते, नहीं सुधर सकते, तुम नहीं सुधर सकते। इस कदर बशगल है भाई तू, तबा तबा कम्बा, पता नहीं पुलिस में नौकरी करती है मनुष्य, हर जगह एंड टाइम पे पहुंच जाती है। इसका सत्यानाश जाए, इन्होंने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी इस औरत ने, इसका सत्यानाश।
आदमी एतवार नहीं कर रहा, कह रहा बीवी को बुलाओ। हमारा बीवी भी सुख किधर है? अबे तो ऐसे कहां जा रहे हो? इनकी बेगम की आदत इसी चाल पे आती है। अच्छा तो मैं ले आता हूं, यहीं रहो। सब आ रहे हैं, पीछे पूरा काफिला आ रहा है, मैं यहीं बुला देता हूं। बेगम जरा उनकी बीवी को भेज दो, उनके मियां आ गए। अभी दो मिनट में आपको बुला दूं। इनको मकान दिखाया? अभी नहीं, रास्ते में ही बोलने लगा बीवी बुलाओ। इनको मकान दिखाओ, एडवांस कराओ और अपना कमीशन लेके आओ। चलो शाबाश। आइए आइए। मकान तो सेपरेट है। बिल्कुल सेपरेट। आइए आइए। मकान बिल्कुल सेपरेट है। अबे क्या सेपरेट सेपरेट करा, तूने जुआ करा ना? क्या आदमी है यार, बताओ पहला मकान क्या? अरे माफ कीजिएगा, अभी तक मैं आपके लिए वो मकान एक कमरे का ढूंढ नहीं सका। नहीं नहीं, अब हमें मकान नहीं चाहिए। फिर आप, अब आपको दुकान चाहिए? नहीं, दरअसल बात यह है कि जिस औरत के लिए हमें मकान चाहिए था, वो कुछ देर पहले मर गई। मर गई? जी हाँ। ओए ओए। हाँ जी। हाँ जी। हमारे तो नसीब ही ऐसे है। अच्छा? हमने जब भी किसी के भले का सोचा, हाँ? क्या तो हमसे बिछड़ गया और या मर गया। ओहो। जी हाँ, हमने जब भी किसी के साथ भलाई की या भलाई का सोचा तो वो भड़क के मर गया। हाँ ये तो। और हमें पता है कि आपकी अपनी बीवी से बनती नहीं है। हाँ। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम आपके भले का भी सोचें। हाँ ये। मेरे भले का सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं, आप मेरा बुरा सोचे भाई। तो फिर हम किसके बारे में सोचें? आपको भला सोचना है, मेरी बीवी के लिए सोचें। अच्छा, जरूर जरूर, फिलहाल हमें इजाजत दे, हम उस बूढ़ी खातून को दफनाने के बाद दोनों जरूर हाजिर होंगे। थैंक यू। गुड बाय। गुड बाय। बाय CNN। ओके PTN। आओ कराची TV। तो आखिर दिल की बात तो बात पर आ ही गई। कौन सी बात? यही भलाई वाली बात। अरे यार, मैं तो उनको लड़कियों को टालने के लिए बोला था, तू हर वक्त किलकिले, बहुत बड़ी किलकिले। उनको टालने के लिए या मुझे टालने के लिए? या अल्लाह, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जल्दी से बेवा कर दे। आमीन। अरे मेरे मुंह से निकलेगा भाई, आप लोग तो लिखने के लिए बैठे हो, बराबर लिख लो। कोई आदमी बोले तो लिख लो बस, अभी घर का मामला है भाई। तुम इस तरह मुझे किसी दिन घपले में मरवा दियो मनुष। देखो जवाब, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मैंने कई दफा तुम्हें चेक किया, तुम भी लड़कियों से बात नहीं आ सकते। बस है, अभी मैं तेरी बातें करूंगा ना, फिर बोलेगा बिड़बिड़ कर दिए, पागल कहेंगी। अबे हम तुमसे को, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने लगा हूँ। कैसी खुशखबरी? मैं प्लाटों का काम शुरू करने लगा हूँ, करोड़ों रुपए का प्लाट। मगर इसके लिए प्लाट होने तो बहुत जरूरी है। हाँ तो प्लाट क्या, बस दो चार प्लाट होंगे। मैंने सोचा कराची में बैठ के इस्लामाबाद के प्लाट बेचूंगा। फ्रॉड से? या फ्रॉड, बाकी लोग नियत बांध के बेच रहे हैं। देखो जवाब, मैं इस प्लाट के कारोबार में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी। मैंने कहा ना, ये मकान और दफ्तर बेचो, मुझे प्लाट खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारे लिए अपने जहेज का मकान बेच दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें नया मकान बना के दे दूंगा। लानत भेज दूं मैं तुम्हारे नए मकान पर। मुझे दो वक्त की रोटी चाहिए, वो भी सूखी। वैसे तू पांच पांच टिक्के खा जाती है मनुष, पर अब तू दो वक्त की रोटी खाएगी, वो भी सूखी। ये सूखी रोटियां इंशाल्लाह भूसी टुकड़े ढूंढ ढूंढ के लाके खिलाऊंगा तुम्हें। मैंने कह दिया, अगर तुम्हें मेरा साथ देना मंजूर नहीं है तो आज से इस दफ्तर के दो हिस्से होंगे। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मैं बैठूंगा, 2 बजे से 8 बजे तक तुम प्लाट बेचना। मैं बेईमानी के प्लाट बेचूंगा, तुम ईमानदारी के बेचना, हम देख लेंगे दोनों में जो पहले कौन तरक्की करता। ठीक है, मैं भी देखती हूँ बेईमानी से कमाई हुई दौलत से तुम कैसे खुश रहोगे। मैं खुश हूँ। चल जा। मरती भी। मुबारक हो। क्या हुआ? पार्टी को मकान बहुत पसंद आया। वेरी गुड यार, मकान पसंद आएगा। हाँ। अपना कमीशन ले लिया? वो कह रहा कल देंगे। हाँ? कल देंगे वो। यार क्या बकवास कर रहे हो, कल देंगे यार, पार्टी है। आज ही दे लेना चाहिए था कमीशन यार, कल का। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ? फ्रॉड हुआ मेरे साथ। क्या फ्रॉड हुआ भाई? फ्रॉड हुआ, ये फैमिली लेके आया। कौन सी फैमिली? अभी जो तुमने भेजी है। कहाँ गई वो फैमिली? इन्हीं के घर छोड़ के आया, ये तो खुश हुए थे। खुश हुए थे, आगे सुनो भाई। फैमिली ने आपके घर छोड़ दी, खुशी की बात है? खुशी की बात तो है। हाँ। मुझे उस औरत के चाल चलन में शक था। क्या? कि वो सही नहीं है। मैंने झांक, मुझे झांकने की भी आदत थी। हाँ। वो मैंने झांक के देखा। हाँ। तो वो औरत खड़ा होकर शेप बना रहा था। क्या हुआ?
बारे में? क्या बताया है मुझे बताओ। मैं वो औरत यहाँ आया है? वो औरत यहाँ आया? हाँ वो औरत यहाँ आया। हाँ आया तो अंदर, हाँ, भी, अंदर भी गया। अब जब कोई आएगा तो अंदर भी जाएगा भाई। उसने तुम्हारी बीवी से पता क्या कहा? हाँ ये बताओ क्या कहा, ये बोल दो। या अल्लाह मैं नहीं बता सकता यार, किसी और से कहलवा दो, जल्दी से बात करो यार। नहीं नहीं वो औरत यहाँ आया? आया तो अंदर गया। अबे हैं? अबे हाँ गया। उसे बार बार क्यों भेज रहा अंदर, क्या बात है? वो एक दफा आया चला गया, ठीक है बाकी बात है बीच में से बताओ। नहीं नहीं वो औरत यहाँ आया, आया अंदर गया भाई, वो गया आया, वो गया बीच बीच में बताओ, बीच में। अच्छा वो अंदर से आया काहे के लिए इतनी दफा बुला रहा है ला रहा है उसे? मैं वाकया बता रहा हूँ यार। तो वाकया आगे बढ़ाओ यार, मुझे बताओ मुझे। नहीं हो नहीं, ये पूरे मोहल्ले को बता देगा। मुझे बताओ, शोहर हूं मैं, पी जाऊंगा, मुझे बताओ। हाँ वो औरत यहाँ आया? जी आया, गया, बीच में शुरू करो। उसने तुम्हारी बीवी से पता क्या कहा? बोलो बोलो दोस्त। मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। इसके मुंह में अपनी जबान रख दे यार। नहीं नहीं वो औरत यहाँ आया। अरे यार अंदर गया। तेरा बाप गया अंदर, कौन गया? हमें भी पता है, हमने खुद भेजा था। तो यार मैं तो ये बोला वो आया। लो भाई अब ये बोले ना आया, तो बस फिर आया, समझ गया ना? अच्छा बीच में से बता, ऐसे बोलो वो औरत आया। मैं बता रहा भाई, मैं अब जाऊ, अब करो फिर बोलना। अंदर गया, बाहर गया, उसने तुम्हारी बीवी से कहा? हाँ। क्या आज से तुम मेरी? हाँ। मेरे शादी में बहुत पैसे लगे, मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनाई मेरा भाई। उसने कहा आज से तुम मेरी? हाँ बोलो 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 बोलो। बहन हो, अल्लाह तेरा शुक्र है, नुकसान नहीं हुआ मेरे मालिक। अल्लाह को लाख हो जाती नुकसान हो जाता भाई, बोलू लंबा। ठीक है, आप आंदा कभी कोई फैमिली आया देखभाल के किसी के घर भेजो। अबे यार देखो यार, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ भाई यार, मैंने ऐसी खिड़कियां तो नहीं बनवाई यार। सही बात, काम ही नहीं आ रही खिड़कियां। सही बात, आंकने की आदत है भाई। इधर अबे चंपू, आपके सामान सही भेजियो, मैं सही हूँ, पागल नहीं हूँ। कभी पागल होता कभी सही होता। यार छोड़ो तुम इसको, ये मैं बड़े चक्कर में पड़ गया यार। एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। वो जो बुरखे में मर्द था, हाँ उसे अंदर किसने भेजा था? भेजा तो मैंने ही था, ये सोचो कि लाया कौन था। आइंदा ध्यान रखना, समझ गए? फैमिली जाओ शहर में एक चक्कर मारो और देखो प्लाट कहाँ कहाँ खाली है। हमें खाली प्लाटों की जरूरत है, कब्जा करना। जाओ देख के आता हूँ, कब्रिस्तान तक भी हो तो चेक करना। मुर्दों को क्या पता पड़ेगा क्या बिक रहा है, वो तो चुपचाप है, उनको कुछ नहीं पता। जाओ, अब जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदाद बनाऊंगा, बताऊंगा इनको किस तरीके से दौलत कमाई जाती है। ये मेरी बीवी समझती है प्लाटों में पैदा नहीं है। ये फरमाइए आपको किससे मिलना भैया? अस्सलाम वालेकुम। आप ही से मिलने के लिए आया था मैं। फरमाइए। आप खरी से तो हैं? अल्लाह करम है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। ओ तो मैं यहाँ अपने काम से आया था दरअसल। आप मेरे काम से आए थे? जा आपको शर्म नहीं आती? आप दफ्तरों में आके चोरी करते हैं जी, आप चोर हैं। क्या फरमा रहे हैं आप? आप अपनी जेब देखिए। लेकिन ये चोरी मैंने तो नहीं की। तुमने किया तो मैंने किया। तो ये मुझे खुदा की कसम बिल्कुल नहीं पता कैसे मेरी जेब में आया। मैं मैजिक मैन। ओ ट्रिक, ये ट्रिक से डाला था आपने? हाँ मैजिक मैन भाई, मैजिक मैन हूँ। ओहो माशाल्लाह, ये लो पकड़ो, आपके हाथ में आ गया मैजिक। मैं तो मैजिक का बादशाह हूँ भाई। अच्छा, ये छड़ी दिखाओ, ये देखो ये गिरेगी नहीं। हाँ नहीं गिर रही। क्यों नहीं गिर रही? क्यों नहीं गिर रही पागल के बच्चे, मैंने उंगली रखी है, कैसे गिरेगी?
मैजिक मैजिक, ये रहा पकड़ो, आपने पकड़ लिया मैजिक। ये जेब सिली हुई है? सिली हुई है। नहीं सिली हुई है। मैजिक अभी सिली हुई थी ना, सिली हुई अब नहीं है। कहा किस टाइप का नुकसान ज्यादा मैजिक है? अरे यार मैजिक है ये, मैजिक ये देखो आप, देखो मैजिक का सर मैजिक, ये लो एक दो तीन करूंगा छड़ी खींच लेना, एक दो तीन, ये देखो मुंह नहीं गिरा मैजिक। किस आप करें आंख थू, आंख थू, बदतमीज कालीन पे थूकते हैं मैजिक, आपके मुंह से थूक निकलवा लिया मैजिक। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़े, हाथ पकड़ लें उंगलियों, हाथ बंद हो गया? हाँ हो गया, हो गया ना। हाँ खोले मैजिक। कहाँ लगा दिया आपने मुझे, किस कारोबार में लगा दिया? आप हुकुम करें, आपको क्या चाहिए? आपको भाई आपका बाहर स्टेट एजेंसी का बोर्ड लगा है। हाँ मैंने पढ़ा, मैं अंदर आ गया। आपको प्लाट चाहिए? पार्टी हूँ मैं, प्लाट चाहिए? जी हाँ। अल्लाह मुझे बताया पहले, आपने नहीं बताया। ये देखिए आप प्लाट देखिए, क्या प्लाट है, इससे अच्छा कोई प्लाट नहीं, क्योंकि ये वाहिद प्लाट है जिसके आगे भी प्लाट है, पीछे प्लाट है, ये प्लाटों में बेहतरीन प्लाट है, वीआईपी प्लाट है, चारों तरफ प्लाट है, अकेला प्लाट है, इनके प्लाट प्लाट है, कौन का प्लाट है, क्योंकि इसका पार्क में बच्चों को स्कूल फ्री पर डिस्पेंसरी में अस्पताल है, क्योंकि प्लाट है, क्योंकि ये एक प्लाट है, क्योंकि उसके पीछे कोई प्लाट नहीं, क्योंकि वीआईपी प्लाट है, अकेला प्लाट है, कौन का प्लाट है, प्लाट का प्लाट है, ये प्लाट है, प्लाट की कीमत का प्लाट का प्लाट आखिरी प्लाट, और ये वो प्लाट है जिसके लिए मेरे कहा यही प्लाट। इसकी कितनी कीमत है? 50 लाख। बहुत छोटे छोटे कारोबार करते हैं आप, और कोई बड़ा सौदा दिखाओ। ये देखिए आप, इस प्लाट के बारे में तो दुनिया में कोई नहीं कह सकता, यहाँ सारे वीआईपी रहते हैं। कैसे? इधर देखिए बराबर में देखिए कोने वाला मकान है ना। हाँ। ये बुश की बहन का है। अच्छा। रेगन की फुप्पो रहती है यहाँ पे। ये तीसरे मकान में यासिर अरफात जुमेरात की जुमेरात आते हैं यहाँ पे। हाँ मीटिंग होती है यहाँ पे, बेहतरीन वीआईपी बंगला है। इसकी क्या कीमत है साहब? 5 करोड़। बहुत छोटा काम दिखा रहे हैं आप मुझे, आप पता नहीं आपके सामने कौन खड़ा है। कौन खड़ा भाई, कौन, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? ये देखिए आप, क्या प्लाट, बहुत खूबसूरत बेहतरीन प्लाट है, इससे अच्छा कोई प्लाट नहीं, मगर ये बिका हुआ है। ये देखिए आप, इधर इशारा है। ये देखिए आप, एक मिनट, ये नहीं, ये तो मेरा घर है। ये देखिए आप, ये क्या प्लाट है साहब, क्या खूबसूरत प्लाट है, 500 एकड़ का प्लाट है। 500 एकड़? इसमें दो दरिया है। अच्छा। चार जंगल है, जंगल में जितने जानवर है, कुत्ते बिल्ली सुअर सब आपके हो जाएंगे, आप सिर्फ बात करें। ये एक प्लाट ये है, एक ये है, ये दोजख से 300 गज इधर है बस। क्या मतलब? दोजख 300 गज के बाद दोजख है, आपको रिश्तेदारों से मिलने में भी आसानी रहेगी अगर आप चाहें तो। बात मेरा ख्याल यही वाला देख लें आप, ये प्लाट अच्छा, 25 करोड़ रुपए इसकी कीमत। ये भी बहुत छोटा प्लाट भैया, मेरे पास आखिरी प्लाट है 25 करोड़। 25 करोड़ का? जी जी। तो इस पे सौदा कर लें? जी। तो 25 करोड़ का मकसद ये हुआ कि 25 करोड़ फुल पेमेंट करेंगे आपको हम? फुल पेमेंट आप पहले मुझे बयाना करेंगे। यू मीन एडवांस? या दरअसल बात ये है कि टाइम खत्म हो रहा है। नहीं टाइम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर आपको पैसे तो पहले देने पड़ेंगे, वरना पार्टी डन नहीं करेगी। देखिए हम 1 पेमेंट करेंगे आपको, आप चाहे 2 पेमेंट करें, मगर आप बयाना पहले करेंगे। दरअसल टाइम खत्म हो गया है। अरे काहे का टाइम भैया, अभी तो बैंक खुले हैं, आप जाओ पैसे ले आओ। दरअसल बात आप मेरी बात समझ नहीं रहे भाई। मैं आपको बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ उसूल है, हम बयाने के बगैर काम नहीं करते। और दरअसल टाइम खत्म हो गया। काहे का टाइम भाई? बात दरअसल क्या है कि मेरी गाड़ी आधा घंटा लेट थी। अच्छा। मैंने सोचा चलो टाइम ही पास कर लो। ये आपने जवाब का है? क्यों, क्या हुआ? पुलिस उसे ढूंढ रही है। क्या? हाँ जवाब को पुलिस ढूंढ रही है? हाँ। किस चीज में? फ्रॉड के केस में। क्या फ्रॉड किया उसने? उसने लोगों के साथ लाखों रुपए का फ्रॉड किया है। ये हाँ। ये तो बहुत बुरा किया जवाब ने। वो जवाब है कहाँ? मुझे क्या पता, लोगों का ही बेवाओं का पलाटों के चक्कर में माल खा गया, लाखों रुपए की चीटिंग की है। क्या? वो गंजा नहीं आता था। हाँ? उसके साथ तो अजीब ही चीटिंग कर दी। क्या? कहने थे तू मकान लेने आया था, कहने मकान बाद में मिलेगा, पहले शादी कर। वो वापिस आया, कहना शादी इस वजह से नहीं हो रही कि मैं गंजा हूँ, कहना मैं गंजे पने का तेल दूंगा तुझे 40-30 हज़ार रुपए दे दे। उसको मिट्टी के तेल में सरसों का तेल मिला के दे दिया। ये जवाब को क्या हो गया, ये क्या चीटिंग शुरू कर दिया उसने? अरे मेरे साथ भी चीटिंग की उसने। तुम्हारे साथ क्या
चीटिंग की है। एक गरीब लड़की आई, कहने लगे इसके साथ शादी कर ले, सवाब होगा। तो ये तो सवाब का काम किया उसने। तो ये सवाब का, कहने जहेज मैं दूंगा। जहेज में क्या दिया? चारपाई के दो पाए। के तो अपने पास से मिला के चारपाई बना लीजिए। खुदा का शुक्र अदा करो कि ये दे दिया। बहुत ही कंजूस है जवाब तो। ऐसा कंजूस है? वो लड़की तो एंड में बुढ़िया निकली, उसकी अपनी छह जवान लड़कियां थी, कहने इनकी शादी करा। मैंने करा तो शादी है, ये तो सवाब का काम है बहुत ही। और सारे सवाब के काम नहीं करूं? तू पागल का बच्चा, मैं खुदा की कसम भदिया ना तुम्हें देख लूंगा। मुझे क्या देखोगे, तुम्हारा दोस्त है, मुझे लगता है तुम भी बराबर के शरीक हो उसके साथ। काहे का शरीक, मैं तो नौकर था इस घर में। मुझे कहने लगा हर तीन महीने बाद तू तनख्वाह ले लियो। मैंने कहा तीन महीने बाद? कहना हाँ, लोगों को 30 दिन बाद मिलती है, तुझे 3 महीने बाद दूंगा। अजीब पागल आदमी, खुदा की कसम पुलिस आ रही है, मैं भाग रहा हूं। ये तो जवाब ने बहुत ही बुरा किया। जी फरमाइए। कौन है आप? जी मेरा पूछना तो जामा किलात पे जाके पूछे। ऐसा लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है। जी हाँ, मैं मुसलमानों के ख्वाब में आती हूँ 23 मार्च को। आप कहीं मेरे शोहर के रिश्तेदार तो नहीं है? अल्लाह ना करे। तो कौन है आप? मैं ही हूँ। कौन? आपके शोहर। क्या और मैं हूँ पागल बेवकूफ। जवान इस हुलिये में। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मैंने दोपहर को थाना भेज दिया। थाना भेज दिया? हाँ थाना भेज दिया। वो जिनको बेचा वो सामान लेके पहुंच गए। पुलिस से कह रहे हैं बाहर निकलो, हमने अंदर ड्राइंग रूम सेट करना। मजाक नहीं जवाब, ये तो चुप 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 कर चुप जाओ। मेरे पास टिकट है सारे, मैंने डॉलर्स वॉलर सब सेट कर लिए हैं। निकलो यहाँ से, स्विट्जरलैंड चलते हैं, वहाँ पे चल के सेट हो जाएंगे। देखो जवाब, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे स्पॉट के कारोबार में तुम्हारे साथ नहीं दूंगी और तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूँ इस वक्त तकरीर का टाइम नहीं है, निकलने वाली करो। सुबह बताओ मेरे साथ धोखा किया, चीटिंग किया, फ्रॉड किया है मुझे, जवाब बताओ। जवाब कहाँ है? बंदर की तरह उछलो मत, कमबख्त मारे वैशी गुरीले, दूर खड़ो के बात करो, साथ छिट के बात करो। चलो ठीक है, मुझे जवाब का पता बताओ। जवाब का पता हमारे पास रखवा के कहते तुम, जवाब का हमें क्या पता कहा है? हम तो खुद मुसीबत वाली दोनों लड़के घर में तना खड़े, कमा खड़े, तुम आगे बात करने चल जा। नहीं मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, मुझे कहीं नहीं मिले। तो खुद ढूंढ, हमें हमारे पास रखवा दिया तूने, जा दफा यहां से कमबख्त, दोजख के गेट कीपर, चल जा। नहीं जाऊंगा मैं, तेरे मेरा 80,000 रुपए 40,000 रुपए खाला के लूट लिए मैंने, मुझे फ्रॉड किया मेरा धोखा किया। 80,000 रुपए खाला के 40,000 तेरे लूट लिए तो तुमने खुद लुटवाए कमीने, जाओ जाके अपने आप भुगतो कमबख्त, इन मनुष्य का मुंह लगना, चल जा। मैंने चप्पे चप्पे में अपने जादू छोड़े हैं। जा दफा हो जा, नाइजीरिया के नारियल, जा दफा। ठीक है बता। हमारे मुंह लगा चल जा, अगर मैं औरतें के लिए जा, जा जूती तार का मुंह मसल तुम, चल जा। आप कहां में होंगी? मैं कोई भी हूं, चल जा। क्यों? चल जा, तुझे क्या मेरा शनाख्ती कार्ड चाहिए, तू चल जा दफा। ठीक है मैं जा रहा हूं, देखना मैं क्या कहूंगा। तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। पता नहीं जवाब, गरीबों ने तुम्हें किस तरह से कमाई हुई दौलत दी होगी, खुदा के लिए इनके पैसे वापस कर दो। ओए तकरीर नहीं करा, गरीबों गरीबों का, गरीबों ने पैसे दिए लालच में दिया। गरीबों ने कभी 1,000 रुपए में 20,000 गज का प्लाट मिलता? सुनिए अजी फरमाइए, मुझे जवाब साहब से मिलना है। आपको क्या काम है जवाब से? उन्होंने मेरे यतीम बच्चों का सहारा छीन लिया है। हाय वाह वाह, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बच्चे कैसे यतीम हो सकते हैं? तुम तो जब चाहो उनके लिए अब्बा का इंतजाम कर दो। क्या कह रही है? मैं वही कह रही हूँ, तुम सुन रही हो? आजकल के दौर में अगर बच्चों का बाप मर जाए तो उनकी हालत फकीरों से ही बदतर हो जाती है। हो जाती है फकीरों से बदतर, अपनी बदतर गाय तुमने खुद की है। वो आपने जवाब से कोई प्लाट लिया था? हाय हाय प्लाट नहीं, कागज का टुकड़ा। कौन कागज का टुकड़ा? हाय देख टुकड़ा अपने शौक से लिया ना, किसी ने तुम्हारे कान पे बंदूक रख के तो नहीं किया ना? हाय मैंने अपना सारा जेवर बेच के प्लाट इसलिए खरीदना चाहा कि मेरे बच्चों को छत मिल जाए। छत मिल जाए? दीवारों तेरा बाप लेके देता, खाली छत लेके बैठी रहती, चारों तरफ से पानी कूड़ा कीचड़ सब आते। कमबख्त मारी अच्छा हुआ तेरी तो अकल ही नहीं है, पहले दीवारें बनाते हैं बाउली फिर बनाते हैं छत। तू कौन है? तू कौन है? मैं तो बेवा औरत हूँ, सिलाई मशीन लेने आई हूँ। और तू बेगम साहिबा को गुस्से दिला के मेरी मशीन भी मरवा दियो मनुष्य। हाय मेरे साथ तो धोखा हुआ, फरेब हुआ। हाय फरेब हुआ तो अपने करतूतों से हुआ फरेब, हमने को फरेब के लिए कहा था तुझे? वो देखिए मैं आपसे, तुम रह चुप कर आए वो, आए मैं मुंह मसल तो भी दे रहा हूँ, चल।
जवाद मैं पुकार चल जवाद कम बगत मारी पांच भाई मुंह जल्द दफाओ जवाद इन बात क्या बात जवाद वो नहीं अच्छा लवार तू कहां के बीच में बोल रही है क्या क्या कह रही हैं आप मैं, आप मैं... क्या कह रही हैं जो आप सुन रही हैं वो तो जवाद ने मेरे साथ बहुत धोखा किया है वो समझला है मैं आपसे वादा करती हूँ अगर जवाब दे आपके पैसे वापस रखिए तो मैं दूंगी आपके पैसे मैं दूंगी तेरे पास तो बड़े पैसे ना फकीर नहीं आए हाय किस किस के पैसे वापस करोगी किस किस को यकीन दिलाओगी किस किस के काहे के डरा दूसरे जो कंबखत मारी तेरे गुर्दे में अपनी बात कर मनुज की बच्ची सारे शहर का ठेका लिया हुआ तूने किस किस के और तू बड़ी आए गरीबों की काउंसलर बन के आए मैं कह रही हूँ अपनी बहन को आए बहन होगी तेरी कम्बा तुम्हारे गरीब हो तुम्हें तो रिश्ते जोड़ने में नहीं आते जब भी तो तुम्हारे पैसे मरते मनुष्य हो जानती नहीं है अब यहाँ कम्बा तुम्हारी ज्यादा बातें मत करिए चिड़िया पकड़ के मैं नाली में डाल रही हूँ तेरी अम्मा को तेरे बाप को तेरे पूरे खानदान को जानती हूँ तेरी माँ के बारे में भी कम्बा तुम्हारी तेरी बहनों के बारे में तेरी ताई अम्मा के तेरी चाची तेरी मुमानी तेरी दुनिया के बारे में बातें करती है कम्बा तुम्हारी तेरे बाप को भी जानती तेरे बाप कैंट स्टेशन पे एक्सरे दिखा के पैसे मांगता कम्बा तुम्हारी जबान लगा रही है कम्बा ठिंगनी मार के चूती निकालो मुंह पर चूती तो चूती का मारे क्या करने आ फायरिंग नहीं कर सकते तो अपने ऊपर करवाओ जाओ खुदा के लिए जवाब
मेरा जरा सा एहसास है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो प्लीज। ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं मेरे मालिक। ओ अल्लाह, ये क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरा दिमाग घूम गया था जरा। जवाब प्लीज, प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या हुआ? मेरा समीर जाग गया। तुम तैयार हो? हाँ, तुम जाओ मेरे मैले कपड़े निकालो, मैं जेल की फैक्ट्री में धुलवा लूँ। तुम जाओ, कोई अच्छा सा पुलिस वाला भेजो। अच्छा सा? हाँ, देखो पूरे महकमे में एक आधा तो होगा यार, जाओ ले जाओ। पुलिस, पुलिस को लेकर आओ, आज मैं अपने जुर्म का इकरार करूंगा। पुलिस लाओ। जिन्ना तेरी मर्जी, नचा बेलिया, मैं नहीं भागूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आज ही तो मुझे मौका मिला है अपनी सदाकत को बताने का। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत चीटिंग फ्रॉड की, लेकिन मैं अब एक पुन करना चाहता हूँ। क्या पुन? पुन पुन नहीं समझते आप? सुन साहिबा, सुन प्यार की धुन, प्यार पुन धुन वो यार। ये मेरा प्लॉट है जो मैंने अपने असल कीमत पे खरीदा था। मैं चाहता हूँ इसे उसी दाम पे बेचूं ताकि माशरे के लोग ये देख सके कि मैं एक सच्चा आदमी हूं, मैं चीटर नहीं हूं। मैं अपनी बीवी की आंखों में सुरखुरु होना चाहता हूँ। खुदा के लिए आप ये प्लॉट खरीद लीजिए। और जी हमारे पास पैसे कहाँ जी? आप अपनी जेबें देखें, पब्लिक रख देती है, आपको पता नहीं चलता। आप देखें प्लीज, टोपियां देखें, टोपियां, ओ बड़े वाले गल्ले तो यही है, इनमें रखिए, ये प्लॉट पकड़िए, दीजिए, तलाशी लीजिए, अपनी तलाशियां खुद लीजिए, बड़ी मेहरबानी। इंस्पेक्टर साहब, अगर 5 मिनट दें तो मैं अपनी बीवी से मिल लूं। 10 मिनट के लिए जा सकते हैं जी, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। ठीक है। बासुर मंटू, ये जो प्लाट है ना, इस पर तो मैं वीडियो सेंटर बनवाऊंगा बाबा। सर जी, इसमें अपना मकान भी बनेगा, इसमें सर जी जगह काफी है। जी वो जवाद आप ही से तो मिलने गए अंदर। मुझसे मिलने? हाँ, मगर मुझसे मिलने अंदर तो नहीं आया। आपने उसे छोड़ा क्यों? वो तो बहुत बड़ा मुजरिम है। ओ ना जी ना, वो बुरा मुजरिम नहीं है, वो तो बड़ा भला मनस आदमी है। अरे मैं उसकी बीवी हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत बड़ा चीटर है वो। ओ नहीं जी नहीं, उसने तो हमें प्लाट दिया बड़े सस्ते सस्ते। कौन सा प्लाट? ये देखिए जी, कितना प्यारा प्लाट हमें औने पौने दाम में दे दिया। ओ माय गॉड।